Hello, hello, assalamu alaikum, Pakistan. This is your host, Mr. Mac. यार यार छोड़ो यार, ये इंट्रो भाई पुराना हो चुका है. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप लोगों का सबसे प्यारा और आप लोगों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम पर आ चुका है. तो यार जो भी मेरे साथ लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर रहा है, जल्दी जल्दी से लाइव स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि आज जो भी आरजे पब्लिक मुझे ज्वाइन करती जाएगी बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट ने डिसाइड किया गया कि उसको एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर दी जाएगी. सो बॉयज़ जल्दी से लाइव स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो और नोटिफिकेशन बटन ऑल पे सेट कर लो. और आप लोगों को बता चले कि भाई जैसा कि क्रिएटर ऑफ द मंथ के चर्चे आप लोगों को आज नजर आते हुए दिखाई दिए जा रहे होंगे, और भी फ्री फायर इंडस्ट्री के अंदर पार्टनर प्रोग्राम के अंदर बहुत सी चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ काफी ज्यादा अमेजिंग किस्म के इवेंट्स रिटर्न आते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं, और एक और इवेंट का रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है जो कि अंडर प्रोसेस देखने को मिल रहा है. पाकिस्तान के लिए काफी कुछ जो है मेरे ख्याल से आप लोगों को चेंज रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है. तो भाई यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि ये सब चेंज जो है किसी वजह से हो रहा है, और आप लोगों को बता चलूँ कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री फ्री फायर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखाई दी जा रही है. तो भाई जहाँ पर भी आप लोगों को कंपटीशन नज़र आए यूट्यूबर्स के दरमियान में, तो डोंट फॉरगेट टू स्पैम आर जी ए फैमिली आर देर. आई वॉन्ट यू ऑल टू शो द सपोर्ट, क्योंकि भाई अगले महीने से डिसाइड किया कि अगले महीने से आप उन खर्चा कर रहा है वापस से ऑलमोस्ट 1 लाख रुपये का खर्चा करूँगा, और आप लोगों को सारा वीलॉग बनाकर दिखाऊँगा. और यहाँ पर हम लोग पूरा गेमिंग सेटअप जो है तैयार करके आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करते हुए दिखाई दिए जाएंगे, और फेस कैम के साथ लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं. और साथ ही साथ आप लोगों को बता चलूँ कि ये बस एक 2 हफ्ते हैं जो कि मुझे FFPL की कास्टिंग के लिए शायद जाना पड़े, और उसके लिए जो है मामला करते हुए दिखाई दे रहा हूँ. चलो खैर, जब भी ये भी सब कुछ चलता हुआ दिखाई दिया जाएगा, और आप लोग को बता चलूँ कि अगले महीने से फ्री फायर के टूर्नामेंट्स भी यहाँ पर आप लोगों को ऑफिशियल देखने को मिलेंगे आरजे ऑफिशियल की जानिब से, और आगे भी बहुत क्रिस्पी मामला तो आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे, वो तो साथ साथ चलता रहेगा. सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है, जो भी नया आ रहा है चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो. थैंक यू सो मच. यहाँ पे मैं कमेंट्स रीड कर लेता हूँ. थेबू नदीम आ चुके हैं, हाय कह रहे हैं एनी, थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑन माई लाइव स्ट्रीम. टीम MXRGO वेलकम द लाइव स्ट्रीम. BLCR सॉल वेलकम द लाइव स्ट्रीम ब्रो. अयान खान आ गया, लोंडा हा ब्रो आ गया. MXRGO थैंक यू सो मच यार. अज्यूमिंग आ रहे अहमद ब्रो वेलकम द लाइव स्ट्रीम. F2F गेमिंग आ रहे. BTS आर्मी आज तो बहुत टाइमली आ चुकी हैं. जो भी ज्वाइन कर रहा है लाइक शेयर सब्सक्राइब करता रहो. बिग फैन योर कमेंट्री आ रहे मेरी जान के टोटे. इसको एक पप्पी एक्स्ट्रा दो. कई कभी डायमंड का भी गिव अवे कर लिया करो. भाई डायमंड का गिव अवे कर रहा होता हूँ, और मैं किसका गिव अवे कर रहा होता हूँ बताओ यार, मेरे को बताओ यार. अच्छा गाइस, सीन ऐसा है कि कुछ ऐसा सीन पार्ट है कि आज जो है ना यूट्यूब सर्वर का आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर हैं सब ने टाइटल लगाए हुए, लेकिन उनके टाइटल शो नहीं हो रहे हैं. तो ये YouTube का इशू चल रहा है. तो आज आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए. आज आप लोगों ने इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करना है, क्योंकि इसका ना नोटिफिकेशन जाएगा ना ही इसका थंबनेल शो होगा, क्योंकि YouTube अपडेट पे लगा हुआ है. तो YouTube के कुछ मामलात यहाँ पे चलते हुए दिखाई दिए जाएंगे. तो ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है. वेयर यू लिव? आई लिव इन इस्लामाबाद ब्रो. थैंक यू सो मच यार. स्काइलर दे दो. अच्छा जी ठीक हो गया. मैं भाई आप फ्री फायर कब डाउनलोड कर रहे हो? बस यार मैं फ्री फायर अगले महीने से डाउनलोड कर रहा हूँ. क्या नाम है तुम्हारा? आफी. और अच्छा जी चलो जी, सबसे पहले चलते हैं भाई. काफ़ी मैक्सी किस्म के इवेंट्स आ चुके हैं. आप लोगों को बताते चलूँ कि भाई मुझे कॉमेंट करके बताओ कि पहले कपल्स बंडल निकाला जाए, या फिर वैसे मेरे पास फीमेल कपल बंडल है पहले से, लेकिन फिर भी हम लोग मेल निकालेंगे, क्योंकि मेरे पास मेल नहीं है. मेरा दिल, मेरा नुकता जिगर नहीं है मेरे पास. तो बॉयज़ वो भी निकालते हुए दिखाई. और आप लोगों को एक और मजे की बात बताता चलूं कि भाई एक और इवेंट मुझे देखने को मिला जो कि मेरा ही फेवरेट था, फास्ट बॉय वाला. क्या कहती है पब्लिक, कौन से इवेंट को पहले निकाला जाए, फास्ट बॉय या फिर कपल्स बंडल? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जिसका ज्यादा स्पैम आएगा वही निकालेंगे हम लोग, और इसके साथ ही साथ शुगर मेला करेंगे. बॉयज लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी है यार. भाई ई सपोर्ट टीम्स पर वीडियो बनाओ. बहुत जल्दी ई सपोर्ट टीम्स के ऊपर वीडियोस आ रही हैं, और मैंने प्रमोशनल वीडियो भी बनाकर दे दी आप लोग को. बहुत जल्द फ्री फायर ऑफिशियल पाकिस्तान पे आपका भाई वीडियो फेस कैम के साथ देखने को मिल रहा है, और आप लोगों ने प्रॉमिस किया आपके भाई ने कि आपको वो कॉन्टेंट प्रोवाइड करेगा जो कि उस वीडियो में बोला गया है. तो बॉयज आप लोगों का सिर्फ शेयरिंग और लाइकिंग चाहिए, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोगों ने, शेयर करो यार जल्दी जल्दी से. लव फ्रॉम फौजी ऑफिशियल लाहौरियन स्पीक. अरे थैंक यू सो मच फौजी ऑफिशियल फॉर बीइंग हियर, लव यू ब्रो. हीर मुगल कैसे हो आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. हीर आप कैसी हो? मजे में हो? ठीक हो? टिटो फाटिया कैसी लग रही है? शफी FF अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आयान ब्रो वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम. ब्रो आपने जो भी गिव अवे देना, मतलब जो भी मुझे फंड देना है मेरे, मुझे आपने स्पॉन्सर करना है मेरी जान, सुपर चैट इनेबल आप सुपर चैट कर सकते हैं, ठीक है? और कपल बंडल की डिमांड पहले आ रही है कि भाई कपल बंडल्स निकाला जाए.
तो चलो पहले कपल्स बंडल निकालते हैं, उसके बाद फास्ट एंड बॉय निकालेंगे। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं अपने कपल्स बंडल के ऊपर। आप लोगों को बता चलूं कि ये भी हमें 7 डेज के लिए देखने को मिल रहा है, और ये रहा हमारे साथ स्वीट हार्ट बंडल। स्वीट हार्ट आई डोंट हैव अ स्वीट हार्ट, लेकिन चले फिर भी बंडल निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। स्वीट हार्ट नहीं है, बंडल तो दे दिया ग्रीना ने भाई। हाँ जी, स्मैक्सी किस्म का इसका है। ये देखें, कोरोना वायरस के जो है मामलात को देखते हुए इसको मास्क भी बनाया गया, यार इतनी अच्छी बात है। तो चलो गाइस सबसे पहले स्किप करते हैं, ये भी है तो इन्हीं दोनों को स्किप करते हैं। ओके बॉयज, और स्पिन करते हैं। सबसे पहले 9 का स्पिन करेंगे, क्या मुझे मेल बंडल, 9 डायमंड का बंडल निकल आता तो कितना स्मैक्सी हो जाता गाइस। नहीं निकला बंडल, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं, और ये पब्लिक आप लोगों के भाई के पास पैसा बहुत है भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते जाओ और आज के इवेंट्स को एंजॉय करते जाएंगे। और आज फिर से आप लोगों को मौका मिलेगा एक बंडल विन करने का, और साथ ही साथ आप लोगों को मौका मिलेगा आज गिव अवे में पार्टिसिपेट करने का और रिडीम कोड विन करने का, और साथ ही साथ आप लोगों को डायमंड टॉप अप भी देखने को मिलेगा। जो भी मेरी लाइव स्ट्रीम पे एक्टिव रहेगा, जो मेरी लाइव स्ट्रीम को सबसे ज़्यादा शेयर करेगा, हम लोग उसको मामलात करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। और अच्छा जी, अब चलते हैं अगले स्पिन की तरफ। यार सबसे पहले घबराना नहीं है यार, मुझे पता ही है इन्होंने मुझे मेल बंडल एंड पे देना है। यार करीना प्लीज ऐसा मत करो बॉयस, ये बंडल बहुत स्मैक्सी है। और एक इस इवेंट की खतरनाक बात मुझे ये पता लग रही है कि आप टोटल 1200 से 1500 के अंदर अंदर आप पूरे 2 बंडल्स निकाल सकते हो। चलो मेरे पास तो 1 बंडल है, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि आप दोनों बंडल्स निकालो। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग गरीना ने जो प्रोवाइड किया फाइनली 399 का। याला मेल 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 पैस की धूम, और मुझे फिर से फीमेल बंडल मिल गया। मैं नहीं बोलता, ओह माय गॉड। और भाई आपका भाई निकाल कर छोड़ेगा, बोला था आपको निकाल कर छोड़ूंगा मेल। तो भाई आ चुका है मिस्टर स्वीट हार्ट बंडल, और अब हम बन चुके हैं बहुत ही ज़्यादा स्वीट हार्ट। और आई एम गिविंग योर वीडियो इन माई स्टेटस, आर आई लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच। यार अयान खान ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो, लव यू हो गया, थैंक यू सो मच। तो बॉयज हम लोगों के पास आ चुके हैं सारे के सारे बंडल्स, आप लोगों को दिखा देता हूँ। क्योंकि पहले बोला गया था कि भाई स्वीट हार्ट बंडल निकाले जाए, तो भाई भाई ये रही लड़की, ये पहले से था तो हमें FF टोकन मिल गए। आए हाय 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 स्वीट हार्ट बंडल। तो बॉयज ये सी रोल हो चुका है, स्वीट हार्ट बंडल भी निकाल लिया। अब चलेंगे अपने दूसरे इवेंट की तरफ, जो कि हमारे साथ यहाँ पर है फास्ट बाय का। अच्छा यार, ये जितना ज़्यादा इसमें जल्दी खरीदोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इस इवेंट को खेलना कैसे है, इस इवेंट को करना कैसे है, सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। आप कह रहे हो कि भाई गरीना ने 1500 का बंडल दे दिया, इतने डायमंड कहाँ से लाऊंगा, 1500 1500 1500 1500 1300। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना जरूर कि आप लोगों ने घबराना नहीं है, अपनी सीट पर बैठे हैं तो सीट पर लेट जाए, और अगर लेटे हुए तो फिर खड़े हो जाओ, और खड़े हुए तो फिर वापस लेट जाए। क्योंकि आप लोगों को बता चलूँ कि भाई आ चुका है बाबा जी का ठुल्लू के साथ, एक बाबा जी का ठुल्लू फ्री। क्योंकि परचेज वन आइटम एट 10% डिस्काउंट टू ऑल द स्टोर एंड रीसेट द क्लॉक आफ्टर 3 आवर्स एवरी। आप सारे के सारे बंडल 150-150 रुपये में निकाल सकते हैं भाई, 150-150 रुपये में, 150-150 रुपये में। तो भाई साहब शुगर वेले का शुगर वेला और सीन पार्ट का सीनो पार्ट यहाँ पे देखने मिल रहा है। और आप बताते चले क्या बोलते हैं इसको, सीन पार्ट शुगर वेला। तो अपनी जगह ये स्पिन्स कब रुकेंगे कि जब मैं यहाँ पे स्पिन डिस्काउंट वाउचर क्लिक करूंगा कि मेरा कितना परसेंट डिस्काउंट निकला है वो निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोग लॉर्ड आइंट से परचेस करेंगे और ऊपर का माल सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। बॉयज तो करते हैं विदाउट एनी डिले, आप लोगों को गेम खेलना सिखाता हूँ। अब हम लोग करने लगे हैं यहाँ पे कन्फर्म, और अप टू 90% ऑफ में मेरा स्पिन निकला है। अरे तो थोड़ा लक, उफ भाई ये बंडल 800-900 रुपए का मिल रहा है, 40% ऑफ 30% ऑफ ये। लेकिन इस बंडल को और सस्ता कैसे किया जाए भाई, कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका भाई बता रहा है। देखो 80 रुपए का हमने खरीदा बाबा जी का हबशी, ठीक है। ओ भाई साहब, तो ये देखना कि अब मैं जितना जल्दी खरीदूंगा, ये देखो 4 घंटे के अंदर अंदर मैं जितना जल्दी खरीदूंगा उतना डिस्काउंट होगा मेरे लिए, डिस्काउंट बढ़ता रहेगा। अब ये देखो ये 50% ऑफ हो गया, ये 44, ये 48, अभी भी मुझे उतना डिस्काउंट नहीं मिला जितना मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और क्रेट परचेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो भाई अब डिस्काउंट और बढ़ गया, ऊपर वाले बंडल 600-600 रुपये में हो गया भाई, क्या सीन है भाई, क्या हाल है भाई, ठीक है। अब इसको और सस्ता करेंगे ब्रो। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लोग यार
ये वाला क्रेट खरीदते हैं 70%। ओ भाई एक और क्रेट, ओ हो 80%। और 65 डायमंड का इमोट, 44 डायमंड का भाई। चलो गाइस मैंने लिया ये, ठीक है। अब देखो कितना सस्ता हो गया भाई, 88% ये इमोट, 150 रुपए का बंडल। गाइस कोई यकीन कर सकता है कि गरीना फ्री बंडल देगा? तो बॉयज अब हम क्या करेंगे कि अब हम लोग ये वाला बंडल सबसे पहले निकालते हैं। बॉयज कमेंट करो, वैसे ये वाला मेल 1 2, इसका नाम 1 है, इसका नाम 2 है और इसका नाम 3 है। कमेंट करके बताओ कि क्या बंडल निकाले, बताओ। थैंक यू सो मच ब्रो। बॉयज आज आरजी ऑफिशियल मंथली स्क्रिम्स के भी 3 मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, काफी मजा आएगा। सबसे पहले जो मैंने दिखाया था वही निकालूं? चलो यार सारे निकाल लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है यार, आप लोगों का प्यार हो। 3 की डिमांड कर रहे हैं तो 1 2 3 ये रहा हमारे साथ भाई। 1350 डायमंड बचाए मैंने, और आप लोगों को बताता चलूं कि ये आपको आइटम डायरेक्टली आपके वॉल्ट में चला जाएगा। अब यार मुझे ये 1900 रुपये का, 30 रुपये का, 30 रुपये का सामान मिल रहा है, तो कौन छोड़ेगा 30 रुपये का माल ब्रो? लो भाई इमोट भी ले लिया मैंने। हाँ जी वो कौन, ये देखो कितना सस्ता। अरे ये देखो 45 रुपीज़ का, 49 रुपीज़ का कटाना। ओ भाई यार 30-40 रुपये का रीनेम कार्ड। भाई लूट लो यार गरीना को, लूट लो भाई, लूट लो, मेला आ गया है इतना सस्ता। यार ये बैग भी 40 रुपए का सस्ता ही है वैसे तो। भाई मैंने तो सब कुछ खरीद लिया, इधर से मैंने ये खरीदा और रीनेम कार्ड खरीदा, इधर से मैंने इमोट खरीदा, कस्टम खरीदा और बैग खरीदा, इधर से मैंने सब कुछ खरीदा और इधर से भी मैंने। अब ये हो गई है शॉप क्लोज। अब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी दोबारा नहीं खरीद सकता बॉयज। सबसे पहले आप लोगों को बता चुके, आप लोगों ने घबराना दिया क्योंकि यहां पर हमारे साथ इस इवेंट का ये मजे का सीन है कि 4 घंटे के बाद ये डिस्काउंट रीसेट होगा। दोबारा से आप नीचे से डिस्काउंट को सस्ता सस्ता करोगे, ऊपर जाओगे और एक नया बंडल निकालोगे। तो गाइस दिस इज गोइंग टू बी द वेरी यूनिक बंडल है जी, और आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करके विन कर सकते हो। तो मुझे तो ये इवेंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि आप बहुत सस्ते में गरीना को जो है लूट सकते हो। आय हाय हाय हाय। तो भाई अब आपको दिखाते हैं जो चीजें हमें मिली हैं। आ हा 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 यार ये बंडल कितना रेयर बंडल है ना, इसके बालों पे मैं फिदा हूं। अब खेलना है बंडल। Join the battle. Be the legend. Join the battle. Be the legend. Join the battle. Be the legend. यार क्रोनो की शक्ल पे ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ना क्रोनो थोड़ा खूबसूरत करेक्टर है। इस पे season 1 पहनते हैं। Join the battle. Be. Skyler पे वो पहनेंगे। Join the battle. Don't forget me. I'm so proud.
यार स्काइलर पे वो बाल पहनेंगे क्योंकि स्काइलर का चेहरा बहुत प्यारा है। आया हाय 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 चेक करें फिर स्वैग लड़के का। तो बॉयज अब चलते हैं अपने गिव अवे की तरफ। तो बॉयज आप लोगों को बताता चलूं कि हमारा 100 लाइक्स का टारगेट होता है हमेशा की तरह, और जो है अच्छा गाइस आज मैं जो दूसरी बात कर रहा था आप लोगों से आज मैं जो बात कर रहा था, एक सेकंड को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज जो टीम्स हमारे साथ खेलते हुए दिखाई दी जा रही हैं और उसके ऊपर तो मैंने बात ही नहीं की यार, आज तो हमारी स्क्रीम भी है ब्रो आरजी ऑफिशियल की, साथ ही साथ गिव अवे होगा। जो टीम की ज़्यादा सपोर्ट आएगी आप लोगों को बताता चलूँ। ओके बॉयज मंथली स्क्रीम में क्वालिफाई किया है FFPL से नो चांस ने, टीम जबास ने, और उसके अलावा हमें जो टीम्स देखने को मिल रही हैं दैट इज शट डाउन टीम सवैग मॉन्स्टर किंग टीम वार्निंग टीम पीके टीम टर्मिनेटर्स जैगवार्स टीम नोवा डीपी रेड रिजर्व्स एंड एक्सट्रीम लेजेंड्स। तो भाई ये वो टीम्स है जो कि आज हमें लाइव स्ट्रीम पे 360 व्यू के अंदर भी खेलते हुए दिखाई दी जाएंगी, इनके साथ भी काफी मजा आएगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से अपने रिडीम कोड के ऊपर चलते हैं और एनी मुझे एक रिडीम कोड प्रोवाइड कर दो। चलो बॉयज मैं आप लोगों के लिए रिडीम कोड लेकर आ रहा हूँ यार, जल्दी जल्दी से भाई 100 लाइक्स चाहिए ब्रो मुझे। कैसे हो, रूम बनाओ, आप लोगों के लिए भी रूम बनाऊंगा यार, टेंशन क्यों नहीं ले रहे हो। आपकी टीम कौन सी है ब्रो? मेरी सारी की टीम है यार, पाकिस्तान की जितनी भी टीमें मेरी हैं ब्रो। आई एम द कास्टर आरजे फैमिली हार्ड है भाई। थैंक यू सो मच यार, बिल्कुल यार। अंजुम गेमिंग थैंक यू सो मच ब्रो फॉर बीइंग हियर ऑन द लाइव। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ यार। जो भी ज्वाइन कर रहा है यार लाइव स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार। आज तुम लोग लाइव स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैंने बताया भी है कि आज यूट्यूब का इशू चल रहा है ब्रो। अभी तक 100 लाइक हो जाने चाहिए ब्रोस, 100 लाइक्स का टारगेट तो कब का पूरा हो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच यार, 60 लाइक्स क्रॉस कर दिए एकदम, आप लोगों ने इतने ज्यादा लाइक बढ़ा दिए। अरे लव यू ब्रोस, अरे लव यू ब्रोस। दिल गार्डन गार्डन कर दिया आपने तो हमारा।
ओके ब्रो, चलो गाइस कस्टम भी ज्वाइन करते हैं, एक सेकंड रुको, साथ साथ मैं आप लोगों को रिडीम कोड भेजता जाऊंगा। एक सेकंड रुको यार, आज ना असल में बड़े मामला थे। गरीना ने एकदम हमें बोला कि यार ये प्रोवाइड कर दो, और आपका भाई जब सुबह उठा ना, क्या ही बताएं। तो चले बॉयज, हमारे साथ टीम्स ज्वाइन कर चुकी हैं जो कि आज मंथली स्क्रीम में खेलते हुए दिखाई दे जाएंगी। कौन सी फेवरेट टीम रहने वाली है बताते चलो। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं टीम स्वैग और टीम हाइपर्स। यार ईएल टैग है लेकिन हाइपर्स नाम है इनका, यार चलो कोई बात नहीं। टर्मिनेटर्स का स्क्वाड आ चुका है। टीम हॉट शॉट ई सपोर्ट आ चुकी है भाई, ओ माय गॉड। अनस कैप्टन गुज्जर और उसामा खेलते हुए दिखाई दिए जाएंगे। टीम जबाज आ चुकी है, टीम आ चुकी है हाउस ऑफ ब्लड हमारे साथ आ चुकी है, क्या बात है भाई। टीम नो चांस आ चुकी है, C7 जैगुआर्स आ चुके हैं, डीमन स्प्राइड आ चुकी है, पीके आ चुकी है, पीके लाहौरियंस का स्क्वाड आ चुका है। आप लोगों को बताता चलूं, वन ऑफ द बेस्ट टीम, फौजी उमर सुल्तान और गुजर खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। मॉन्स्टर किंग यानी कि दो दो ऑफिशियल स्ट्रीमर्स हमारे साथ आज कस्टम में खेलते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं ब्रो, इतनी स्मैक्सी टीम्स हैं। चलो बॉयज, मैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, टीम्स खेलते हुए दिखाई दिए जाएंगी और काफी ज्यादा मामलात करते हुए दिखाई दिए जाएंगे भाई। काफी ज्यादा हाउस ऑफ ब्लड की सपोर्ट आना स्टार्ट हो चुकी है, आरडी मैडी एचओपी की आना स्टार्ट हो चुकी है, क्या ही बात है। नो चांस के फॉलोवर्स किधर है आज, टीम शटडाउन के फॉलोवर्स किधर है, टीम जबास के फॉलोवर्स किधर है भाई। आप लोगों को बताता चलूं कि ऑफिशियल स्क्रिम्स स्टार्ट हो चुकी है आरजी ऑफिशियल की, जहां पे ऑफिशियल पाकिस्तान की टीम्स खेलते हुए दिखाई दिए जाएंगी। और ताहा को डिस्कॉर्ड पर बुला लेना चाहिए मेरे ख्याल से, ताहा यार डिस्कॉर्ड पर आ जाए यार, क्या सीन है ब्रो। ताहा ब्रो अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। अरे तेरा वॉल्यूम बहुत ज्यादा, रुक मैं आहिस्ता करता हूँ। अभी सही है? अबे नहीं अभी भी बहुत ज्यादा भाई। हाँ अभी ठीक है जी सर, हुक्म करें। कैसे हो ब्रो? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं कैसे हैं? मैंने कहा यार मैं थोड़ा सा चैलेंज वैलेंज कर लूं, लेकिन फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार स्क्रीम्स करवानी है तो स्क्रीम्स के बाद मैं सब्सक्राइबर्स के साथ खेलेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कहा यार एक चीज की जा सकती है कि हम लोग मैचेस की कमेंट्री जो है वो शुगर मेले के साथ थोड़ा सा कर लें, क्या ख्याल है? और अपने बार बार दिखाना है लाजमी। ओके किसको दिखाना है? मैडी एचओबी को दिखाना है, चलें ठीक है जी, मैडी एचओबी को दिखा देंगे। मुर्शद है मैक, मैडी मुर्शद है, अच्छा जी क्या ही बात है, चलो मुर्शद को भी दिखाएंगे, बिल्कुल क्यों नहीं दिखाएंगे। डिस्कॉर्ड में आ चुका है हमारे साथ ताहा भाई आ चुके हैं। ओके बॉयज, यहाँ पर लैंडिंग के ऊपर बात करेंगे। टीम जबाज जो है हमेशा की तरह क्लॉक टावर के ऊपर जाते हुए दिखाई दी जा रही है अपने रवायती अंदाज की जानिब से। और टीम नंबर 2 आ चुकी है हमारे साथ हैंगर पे, टीम नंबर 3 यानी कि टर्मिनेटर स्क्वाड टूवर्ड्स ऑब्जर्वेटरी, और यहाँ पे हमारे साथ ग्रेवयार्ड पे देखने को मिल रहा है टीम शटडाउन। और उसके साथ ही साथ हमारे टीम हाउस ऑफ ब्लड की अगर बात करें तो हमारे साथ यहाँ पे उतर चुके हैं शिपयार्ड के ऊपर। टीम नंबर 1 की बात करें तो हमारे साथ यहाँ पे टीएस का पूरा स्क्वाड आ चुका है जो कि मिल्स के ऊपर जा चुके हैं, काफी अच्छी लैंडिंग्स है। जैगवार्स और C7 क्लाउड 7 का स्क्वाड हमारे साथ यहाँ पे बेमा शक्ति पे आ चुका है। और
यहाँ पर फैक्ट्री पे हमारे साथ नो चांस का स्क्वाड देखने को मिल रहा है, इनके बिल्कुल सामने मॉन्स्टर किंग का स्क्वाड है। वली जान आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं हमारे साथ, यहाँ पे जोकर, शीरा और रोमैन देखने को मिलेंगे। डीमन्स ब्राइड का स्क्वाड भी काफी सिक्योर लैंडिंग कर चुका है। चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले इस प्लेयर के ऊपर दिखाता चलूं, वली जान, क्योंकि इसको मैं इस्लामाबाद में भी खेलते हुए देखता हूं। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूं कि एक ऐसा बॉय है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग हेडशॉट मारता है और आगे आ चुका है। मेरे ख्याल से इसको प्लेयर का नहीं पता, आगे निकलेगा, किलर को देखा, शॉट लगाने की ट्राई, लेकिन यहाँ पे थॉमसन के झटकों के साथ यहाँ पे MKU ट्रिपल वाइट वाइट ट्रिपल फोर को यहाँ पे एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, खत्म करते हुए दिखाई दी जा रहे थे वली जान, और अभी बाकी टीम इनको घिरते हुए दिखाई जाएगी। जैसे ही जोकर, शीरा और रोमैन को पता लगता हुआ दिखाई जा रहा है, और रोमैन भी आगे बढ़ चुके हैं, और यहाँ पे बिल्कुल वली जान अकेले हैं इस टाइम पे, मेरे ख्याल से इनके पास कोई भी प्लेयर नहीं है। आगे आ चुके हैं MKYT, आगे बढ़े और यहाँ पे बढ़े क्रोनो का चार्ज, आगे बढ़े, वली जान की पावर बहुत कम, शट डाउन करेंगे बिल्कुल। यहाँ पे हेडशॉट लगाया और यहाँ पे देख लिया गया है जोकर को, अब जोकर के लिए मुश्किल हो चुका है। वली जान एक किल ले चुके थे लेकिन साथ ही साथ डाउन कर दिया, पूरी स्क्वाड के ऊपर अकेले रश कर दिया। माना यार FFPL की टीम हमें देखने को मिल रही है जो कि काफी प्रोफेशनल गेम प्ले करती है, लेकिन आज काफी चिल नजर आ रहे थे, अकेले अकेले गेम स्टाइल कर रहे थे वली जान। मेरे ख्याल से उनको आइडिया नहीं था कि यहाँ पे एक पूरे का पूरा स्क्वाड बैठा हुआ है पुचिना के ऊपर, तो एक काफी मेन प्लेयर यहाँ पर अपना नुकसान उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बैक साइड से अभी जो है शीरा अभी तक नहीं आया और रोमैन आ चुके हैं अपने प्लेयर को कवर देने के लिए, और हमेशा से ये वो प्लेयर है जो कि अपने साथ बॉट ड्रेसिंग कर कर आता है। लेकिन बिल्कुल भी आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे साथ फ्री फायर पाकिस्तान लीग के यहाँ पर लीडर बोर्ड में देखने वाले प्लेयर वाहिद रोमैन ही है जो कि चैंपियन बनते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। आपको बताता चलूँ कि ये हमारे साथ MVP स्टैंडिंग में, ओवरऑल MVP स्टैंडिंग में टॉप लीडर बोर्ड पे देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़े, यहाँ पे जोकर की पावर काफी कम करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इनको बहुत एहतियात से खेलना होगा क्योंकि मॉन्स्टर किंग स्क्वाड भी है, काफी तगड़ा स्क्वाड है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से रोमैन की जानिब से इशारा मिल चुका है कि बैक ऑफ कर दे, लेकिन अब जोकर के पास वापस जाने का रास्ता भी नहीं है और यहाँ पर आने का भी रास्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफी मुश्किल हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों को बता चलूँ कि भाई जो है जो मेरी न्यू वीडियो आ रही है फ्री फायर ऑफिशियल पाकिस्तान पे, उस पर मेरा रियल नेम के साथ मैंने वीडियो बनाई है, तो आप लोग उसमें ज़रूर सपोर्ट करना, उसमें दिखाना, और आज भी मुझे लाइव स्ट्रीम चाहिए ब्रो। आई वांट यू ऑल टू प्लीज़ शेयर दिस लाइव स्ट्रीम यार, मैक्सिमम पाकिस्तानियों, यार तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा यार, स्पैम करने वालों को टाइम आउट भी दे दे यार कोई अल्लाह का बंदा। और यहाँ पे जोकर फिर से खत्म हो चुके हैं, शीरा आगे बढ़े और यहाँ पे शीरा ने ग्रेनेड को लॉक किया, डाउन करेंगे, क्या कोई किल मिलेगा, वेल कॉल MKYT जो कि काफी ज्यादा डैमेज थे, आगे बढ़े और यहाँ पे स्ट्राइक देने की कोशिश, और क्रोनो का चार्ज बिल्कुल यहाँ पे अब रिवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे शीरा आगे बढ़ चुके हैं, मेडकिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बैक साइड से रोमैन भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल यकीन कंफर्म कर लिया गया है, 2-2 की सिचुएशन हो चुकी है, कौन सी टीम पहले शटडाउन होगी। शीरा को काफी ज्यादा डैमेज, आगे बढ़े रोमैन अपने प्लेयर को कवर अप देते हुए और यहाँ पे खिदमदाद मज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन बैक साइड से टीम जबाज़ का रश आ चुका है। अब ये देखना होगा कि टीम जबाज़ यहाँ पे कैसे डाउन करेगी, डबल वेक्टर के कहर के साथ मौजूद है, आगे बढ़े देख लिया गया और यहाँ पे बिल्कुल रोमैन की पावर बहुत कम, आगे बढ़ेंगे, डाउन करने की कोशिश, बिल्कुल डाउन कर दिया गया है, रोमैन अकेले बचे हैं। यहाँ पे शाहजर को डाउन किया, आगे बढ़े और बैक साइड से यहाँ पे डाउन कर दिया जाएगा, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड पूरे का पूरा स्क्वाड यहाँ पे शट डाउन कर दिया गया। टीम जबाज अपने प्लेयर को रिवाइव करते हुए दिखाई दी जा रही है और टीम नंबर 11 के एक प्लेयर जो के बचे हैं रोमैन, टीम नौ चांस के साथ यहाँ पे शट डाउन होते हुए दिखाई दिए जा रहे थे और काफी मुश्किल का सामना देखने को मिला। ये रहे हमारे मैडी ब्रो जिसके बारे में काफी ज्यादा सपोर्ट आते हुए दिखाई दी जा रही थी और इसके साथ ही साथ मामला करते हुए दिखाई दिए जा रहे थे। आप लोगों को बताता चलूं कि गाइस 200 लाइक्स, हर 100 लाइक्स के ऊपर 100 लाइक्स का गिव अवे आप लोगों को देखने को मिलेगा, सो बॉयज लाइव स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और आप लोगों को पता है कि मैं एंड पर भी जाते जाते काफी ज्यादा 400-500 रुपए का गिव अवे करके जाता हूं, तो भाई मैं उन्हीं लोगों को गिव अवे देके जाता हूं जो शुरू से मेरी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करते हैं और थ्रू आउट सपोर्ट करते हैं, जो आकर चले जाते हैं उनको डेफिनेटली सी बात है कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। और ये ई सपोर्ट को ग्रो करने के लिए आप लोगों के लिए मंथली स्क्रीम करवाई जाती है जिसके काफी अच्छे अच्छे प्राइज हैं, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000, किसी का 4,000, किसी का 1,000। आप लोग भी RG ऑफिशियल ई सपोर्ट्स स्क्रीम में पार्टिसिपेट किया करें। और यहां पर बिल्कुल टर्मिनेटर स्क्वाड शट डाउन होते हुए दिखाई दिया जा रहा है, सामने टीम हॉटशॉट का स्क्वाड आ चुका है और यहाँ पे टीम शट डाउन करते हुए दिखाई दिया जा रहा है, अनस को खत्म कर दिया गया है, कैप्टन अकेले बचे हैं, गुज्जर भी डाउन है, उसामा भी डाउन है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं कि यहाँ पे टीम नंबर 3 यानी कि टर्मिनेटर के भी दो ही प्लेयर्स बचे हैं और
अब ये जो है काफी मुश्किल सूरत हाल हो सकता है। एवेंजी भी आगे बढ़ते हुए दिखाई जा रहे हैं, सरप्राइज भी आगे बढ़े। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्नाइपर स्ट्राइक, आगे बढ़े और यहाँ पे एक और स्नाइपर के झटके के साथ टीम शटडाउन को किया शटडाउन बहुत अच्छी गेम प्ले के साथ और यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच यार, लव यू ऑल एवरीवन जो भी ज्वाइन कर रहे हो लाइव स्ट्रीम को, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हो। थैंक यू सो मच कलीम भाई भी 200 डायमंड्स का गिव अवे अनाउंस कर चुके हैं। तो बॉयज लाइव स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ, नोटिफिकेशन का बटन ऑल पर सेट कर लो। मैडी की सपोर्ट आ रही थी और यहाँ पे टर्मिनेटर 4 किल ले चुके हैं। वन मैन आर्मी सरप्राइज हमेशा की तरह सरप्राइज देते हैं हमें और आज भी उन्होंने सरप्राइज दिया। मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हुआ दिखाई दिया जाता हूँ और बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे ई एल का स्क्वाड आ चुका है जो कि देखने को मिल रहा है। ई एल से हमारे साथ उमर तकाशी टकेशी सैन, यार ये काफी मुश्किल नेम है, और वुल्फ आ चुके हैं और शहजाद आ चुके हैं। लेट्स सी यहाँ पे कैसा गेम प्ले करते हुए दिखाई जाएंगे। और आ चुके हैं हमारे साथ बॉस जेश लेडर, जेश 7 लीडर और अर्सल 9 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टीम नंबर 1 बिल्कुल तैयार है और यहाँ पे मिल से नीचे आके लैंडिंग करके लूट करके लेट चुके हैं और यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे प्लेयर्स। मॉन्स्टर किंग का एक ही प्लेयर बचा है, 2 किल्स लिए दोनों के दोनों गेमर ने लिए, लेकिन उम्मीद बाकी है मॉन्स्टर किंग अपनी पोजीशन होल्ड कर सकती है। क्या पोजीशन होल्ड कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। और थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने 180 लाइक्स भी कंप्लीट कर दिया, हमारे 20 लाइक्स रह गए। यार क्या बात है भाई, अब मज़ा आ रहा है। तुम लोग जब लाइव स्ट्रीम को शेयर करते हो तो दिल की खुशी से, दिल की गहराइयों से खुशी होती है। और थैंक यू सो मच, हमारे 17.4K सब्सक्राइबर्स की फैमिली भी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को अनाउंस करते चलें कि 17,500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली के बहुत 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 ज़्यादा करीब है हम लोग। और यहाँ पे देखने को मिलेगा आई लिव इन लाहौर, थैंक यू सो मच अहमद भाई फॉर ज्वाइनिंग मी फ्रॉम लाहौर। लाहौरियंस भी के आ चुके हैं जिसमें हमारे साथ यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं सुल्तान, फौजी, उमर और गुजर। आज हमें यहाँ पे एजेंट पीके नहीं देखने को मिल रहे जो कि काफ़ी एक मेन प्लेयर है पीके लाहौरियन पीके स्क्वाड में। और अब देखना ये होगा कि भाई कैसा खेलता है क्योंकि ये स्क्वाड काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी ओल्ड है। और आप लोगों को बताता चलूँ कि ये उन स्क्वाड में शामिल होता है जो कि पाकिस्तान के सबसे पुराने स्क्वाड में से एक स्क्वाड माना जाता है। जब पाकिस्तान सर्वर नहीं बनाता उस वक्त से खेलते हुए दिखाई दे जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आज इनकी गेम प्ले कैसी देखने को मिलेगी। FFPL में यहाँ पर जो है ये टीम जो है हमारे साथ अपने आप को किधर लेके जाने में, हाँ बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ प्लेऑफ्स तक लेके जाने में कामयाब हुई, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे नहीं जा सकते थे। बिल्कुल यहाँ पे टीम नंबर 6 फिर से फाइट ले चुकी है। टीम नंबर 9 के साथ शहजर आगे बढ़े और शहजर को एक बहुत खतरनाक किस्म का झटका पड़ा। टीम जबास वर्सेस डीमंस ब्राइड, कौन सी टीम आगे बढ़ेगी। बिल्कुल दोनों टीम्स काफी टक्कर की है और यहाँ पे आगे बढ़े। ग्लूअल का बहुत अच्छा इस्तेमाल, प्लेयर को डैमेज देते हुए दिखाई दिए जा रहे थे। 1 down 2 down, डीमंस ब्राइड ऑन फायर, पूरे का पूरा स्क्वाड टीम जवाब का शट डाउन कर दिया गया है। किम जुजैर किम एंड खटक की जानिब से क्या गेम प्ले देखने को मिल रहा था, बहुत ही प्रोफेशनल गेम प्ले के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ मामला करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ डीमंस ब्राइड ने टीम जवाब को शट डाउन कर दिया है बहुत अच्छी टक्कर के साथ। यहाँ पे मामला करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं, क्या गेम प्ले देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनका गेम प्ले को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच माहीन, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं और बाकी सब कैसे हैं। अहमद ब्रो लव यू हो गया, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, थैंक यू सो मच। मिस्टर एडी को दिखा दें, अरे मैंने एडी को दिखा दिया, कितनी बार दिखाएं एडी को। ये ले जी आपके एडी है, ये रहे हमारे साथ एडी, एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर, इसको हाउस ऑफ ब्लड से आ चुके हैं। और यहाँ पे बिल्कुल क्लाउड 7 के साथ यहाँ पे फाइट देखने को मिल रही है। अब देखना योगा के टीम हाउस ऑफ ब्लड यहाँ पे क्या शट डाउन कर पाएगी या फिर नहीं। बिल्कुल शट डाउन होते हुए दिखाई जा रहे हैं, रेफ्स आ चुके हैं, पहले प्लेयर को ही डाउन कर दिया गया है। और राहील ऊपर बैठे हुए ऊपर से कवर देते हुए दिखाई जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे ग्रेनेड का इस्तेमाल, 1 down 2 down, मैडी भी डाउन हो चुके हैं, मॉइस भी डाउन हो चुके हैं, हाशिर अकेले बचे और हाशिर सेड के भाई अब यहाँ से निकलना होगा, जीना होगा, मरना होगा। और बिल्कुल यहाँ पे क्लाउड 7 से हमारे साथ जैगुआर स्क्वाड देखने को मिल रहा था, डबल किल के साथ राहील वन मैन आर्मी गेम प्ले कर रहे हैं, हाशिर अकेले बचे और हाशिर को यहाँ पे डाउन करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई जा रहे हैं। मासूम
नकी अकेला अपने नाम करेगा। ओ बिल्कुल, यहाँ पे देखा नकी को लेकिन आइडिया नहीं हुआ कि यहाँ पे उसके साथ होने क्या वाला था। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ये किल किसके हाथ होगा क्योंकि ये एक प्लेयर काफी ज्यादा नचा रहा है। और बिल्कुल फाइनली यहाँ पे ये किल नकी को मिलने में कामयाब हो चुका है। लेकिन इसके साथ ही साथ जितनी यहाँ पे फायर की आवाजें आ रही थी उसके साथ ही साथ बताता चलो कि टीम नंबर वन भी यहाँ पे कहीं पास पास आते हुए दिखाई दी जा रही है। नकी एक किल कर चुका है, राहिल दो किल कर चुका है और एक किल इनका जो है डिस्ट्रॉय हो चुका है। बैक साइड से टीम डीमन्स प्राइड अटैक कर चुकी है जो कि काफी अच्छा गेम प्ले करते हुए दिखाई दी जा रही थी। आगे बढ़ते हुए दिखाई जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पे मामला कर रहे हैं। थैंक यू सो मच जल्लाद ब्रो, चीनी ब्रो, लव यू हो गया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द लाइव स्ट्रीम। अरे ब्रो ब्रो ब्रो, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है मेरी धड़कनों में। अरे भाई हम तो एकदम बैठे बैठे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, मामलात बदल गए। अरे यार सल्लू अफरीदी यार इधर क्या कर रहा है ब्रो, मैं अकेला अकेला कमेंट्री कर रहा हूँ यार, भैंस की दुम डिस्कॉर्ड पर आ यार, आ जा यार भाई आ जा, फोन करते हैं रिहर्सल करते हैं थोड़ी सी यार, आ जा यार आ जा यार, खिदमदात खिदमदात मनाजिर घर में किधर है बाहर है पहले मुझे ये तो बताना जरा। ओ भाई साहब डीमन्स ब्राइड भी अब हल्का पड़ते हुए दिखाई दी जा रही है। बिल्कुल एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया है, टू डाउन, दो ही प्लेयर्स बचे हैं उजैर और हमारे साथ खटक, क्या बच पाएंगे। क्लाउड सेवन काफी टक्कर का मुकाबला दे रही है हमारे साथ जैगुआर्स ऑफ आरजीए, सॉरी जैगुआर्स ऑफ क्लाउड सेवन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे मासूम आगे बढ़ चुके हैं, मासूम का अटैक कैसा देखने को मिलेगा। बिल्कुल क्रोनो का इस्तेमाल, ग्लूवल का इस्तेमाल, आगे बजे शॉर्ट रेंज के साथ यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ मामला किस तरह के देखने को मिलेंगे। वन डाउन टू डाउन, बिल्कुल यहाँ पे क्लाउड सेवन, ओ मासूम को डाउन कर दिया लेकिन यहाँ पर राहिल और बिल्कुल टाइम पे पहुंच चुके थे यार, बहुत अच्छा गेम प्ले कर रहे हैं। डीमन्स ब्राइड के पूरे स्क्वाड को शट डाउन कर लिया गया है। आ जाओ अहमद, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, क्या हाल है, थैंक यू सो मच मलिक अब्दुल्ला, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, थैंक यू सो मच कलीम, थैंक यू सो मच रेड आइज वाई टी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द लाइव स्ट्रीम, थैंक यू सो मच एफ एफ अहमद ब्रो, मॉडरेटर आपको बना दिया जाएगा जब भी आप एलिजिबल होगे। मैक भाई बिग फैन, थैंक यू सो मच मलिक अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द लाइव स्ट्रीम। मैक भाई आपका वोट दिया है एफ बी पे, अरे अवैस भाई यार क्रिएटर ऑफ द मंथ की वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को बताता चलूं कि जितने भी ऑफिशियल स्ट्रीमर हैं पाकिस्तान के उनकी वोटिंग चल रही है और उनके साथ मामलात करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं आपको इंडस्ट्री के अंदर। तो भाई सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि भाई आरजीए पब्लिक हर जगह पे जानी चाहिए, स्पैम जाना चाहिए और जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो अपने स्टेटसेस पे लगाएं और आरजीए पब्लिक के बारे में अवेयर करें कि भाई आरजीए पब्लिक को ही वोट जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे हमें सरप्राइज भी ज्वाइन कर चुके हैं फाइव फेस से, क्या ही जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं, क्या ही बात है। अस्सलाम वालेकुम फाइज आ चुके हैं, टर्मिनेटर के फाइज आ चुके हैं भाई, अब रौनक लगना स्टार्ट हो चुकी है। ई सपोर्ट प्लेयर भी ज्वाइन करना स्टार्ट हो चुके हैं, एकदम इतने ज्यादा लोग मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं कि किस किस को बताऊं। लव यू मैक भाई, अरे लव यू टू, थैंक यू सो मच यार जो भी ज्वाइन कर रहा है। जेंटल पीके आ चुके हैं, अरे क्या बात है, आज तुम खेल क्यों नहीं रहे हो यार, खेल क्यों नहीं रहे हो भाई, क्या सीन है, तुम खेल क्यों नहीं रहे हो अपने स्क्वाड में। ओके भाई यहाँ पे सुल्तान, फौजी, उमर और गुज्जर पूरे का पूरा स्क्वाड जिंदा है और यहाँ पर हमारे साथ खेलते हुए दिखाई दे जा रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि सेकंड जोन भी श्रिंक हो चुका है, टीम नंबर वन अलाइव है हमारे साथ, टीम नंबर एट क्लाउड सेवन का जैगुआर स्क्वाड अलाइव है, पीके पीके लॉरियंस का स्क्वाड हमें जिंदा देखने को मिल रहा है। मॉन्स्टर किंग को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये वो स्क्वाड था जो कि नो चांस से सबसे पहले फाइट किया था और डाउन होते हुए दिखाई दिया जा रहा था, लेकिन जट अभी तक जोन के सेंटर में बैठे हैं और सरवाइव कर रहे हैं, क्या ही सरवाइविंग है। टीएस का पूरा स्क्वाड शट डाउन होते हुए दिखाई दिया जा रहा है, बिल्कुल ईएल के एक ही प्लेयर बचे हैं और एक ही दो किल हैं इनके और टीएस यहां पर ट्रिपल किल के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दी जा रही है। बिल्कुल यहां पर अब टावर का कवर ले लिया गया और ऊपर सामने इनको सी सेवन के साथ फिर से फाइट करने का मौका मिलेगा। क्या यहाँ पे क्लाउड सेवन अपनी टक्कर कर पाएगी, बना पाएगी या फिर हमारे साथ टीएस का स्क्वाड इनको एलिमिनेट करता हुआ दिखाई जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा स्क्वाड नहीं है जो कि इनको शट डाउन करते हुए दिखाई दिया जा रहा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे बहुत अच्छी लैंडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी लूट के साथ यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं और मामलात करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं कि कौन सी टीम। भाई एंट्री ओपन है क्या, टूर ओपन है क्या, बिल्कुल यार अब आपको बताता चलूं कि आरजी ऑफिशियल की वीकली स्क्रिम्स भी होती हैं और मंथली स्क्रिम्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये सीन पार्ट है सारा,
और आप लोग इसी तरह से ज्वाइन कर सकते हो मंथली स्क्रीम्स को, वीकली स्क्रीम्स को, और डिफरेंट प्राइस पूल आप लोगों को देखने को मिलेगा। नक्की को रिवाइव कर दिया गया बिल्कुल, और नक्की की पावर बहुत कम, लेकिन नक्की फिर भी यहाँ पर मेडकिट के साथ बाकी प्लेयर्स को डाउन करते हुए दिखाई जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे ग्लूवाल को भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्रोनो का अच्छा इस्तेमाल, टीएस के प्लेयर्स को अच्छा डैमेज दे रहे हैं, और ये एक बहुत अच्छा चांस है क्योंकि अपर साइड पर यहाँ पे बैठे हुए दिखाई जा रहे हैं। टीम नंबर वन नीचे जा रही है, बिल्कुल बहुत कम पावर है, लीडर को भी डाउन कर दिया गया और ग्लूवाल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जेश की पावर बहुत कम, क्लाउड सेवन वालों को ऊपर से सुल्तान यानी कि लाहौरियंस पीके का अटैक हो चुका है, और जिस तरह से ये स्कॉट डैमेज देते हुए दिखाई दिया जा रहा था टीम नंबर वन को, उसी तरह से हवा यहां पे क्लाउड सेवन के साथ हालात और मामला मुश्किल होते हुए दिखाई जा रहे हैं। लाहौरियंस पीके वन डाउन टू डाउन, मासूम को भी बहुत ज्यादा डैमेज, और यहां पर राहिल की पावर भी बहुत कम। यहां पर देख रहा होगा कि लाहौरियंस पीके अब कैसा टक्कर का मुकाबला करते हुए दिखाई जाएंगे। बिल्कुल यहां पर नक्की को भी रिवाइव करने की मौका नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल डाउन कर दिया गया। सुल्तान गॉट द किल, डबल किल के साथ सुल्तान खेलता हुआ दिखाई दिया रहा। हमारा ऑफिशियल स्ट्रीमर यहाँ पे हमें ज्वाइन कर चुका है, और इसके साथ साथ यहाँ पे मामला कर रहे हैं कि क्या सीन पार्ट देखने को मिलेगा। फिर से शॉर्ट रेंज के ऊपर बात जा चुके हैं, क्लाउड सेवन के दो प्लेयर्स अभी तक जिंदा हैं, और देखना ये होगा कि क्या अब ये सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि राइट साइड पे टीएस का स्क्वाड है और ऊपर सुल्तान यहाँ पर आ चुके हैं हमारे साथ। यहाँ पर बिल्कुल बहुत अच्छा डैमेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर इस वक्त काफ़ी नाजुक सूरत हाल। ईएल का एक प्लेयर स्टिल सर्वाइव है, एम के जट की पावर बहुत कम है, किल्स देने के लिए तैयार है, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। और जोन श्रिंक होना स्टार्ट हो चुका है, टीम नंबर 10 को भी जोन में श्रिंक होना होगा। एम के जट ने एक किल ले लिया, बिल्कुल ईएल का एक ही प्लेयर बचा था और वो भी अब हमारी जिंदगी में रहा। बिल्कुल जेश भी डाउन हुए, अरसलान अकेले बचे हैं, अरसल 9, मासूम की पावर बहुत कम, बिल्कुल यहाँ पे C7 गॉट एलिमिनेटेड। एम के जट आखिरी प्लेयर को डाउन करते हुए दिखाई जा रहे हैं, अरसल की पावर बहुत कम, और सामने हमें लाहौरियंस पीके देखने को मिल रही है, और आई थिंक सो ये भैया लाहौरियंस पीके ही लेके जाते हुए दिखाई देगी। लेकिन एक चीज़ अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, एम के जट विद डबल किल्स, दोनों के दोनों किल इसी के हैं, और यहां पर अपनी स्क्वाड के लिए अकेले सरवाइव कर रहे हैं। ओ माय गॉड, M79 द गेम चेंजर वेपन, क्या अकेले अपनी स्क्वाड को यहां पर कुछ करने में कामयाब रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर इतने ज्यादा ग्रेनेड्स एकदम से आ चुके हैं, और इसके साथ ही साथ यहां पर पहला बुया ले चुकी है हमारे साथ लाहौरियंस पीके। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, क्या गेम प्ले देखने को मिला, क्या गेम स्टाइल था, और इसके साथ ही साथ यहां पर हमारे साथ एमवीपी बन चुके हैं पीके के उमर विद 2 किल्स, 2 किल सुल्तान के देखने को मिले हैं, और 1 किल गुजर का देखने को मिला है। 5 किल के साथ पहले नंबर पे आते हुए दिखाई दे रही है। एमके का स्क्वाड 4 किल्स के साथ दूसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है। थर्ड पे टीएस का स्क्वाड बहुत अच्छा गेम प्ले किया, द वे दे वर सर्वाइविंग, ये वो न्यू टैलेंट है जो कि इतनी बड़ी ऑफिशियल टीम्स को शट डाउन करके ऊपर आते हुए दिखाई दी जा रही है। यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जैगुआर्स को भी, ईएल के स्क्वाड को भी, टर्मिनेटर का स्क्वाड भी टॉप 6 पे, लेकिन बैट पाई देखने को मिला हमें साथ। डीमस ब्राइड ने लेकिन बहुत अच्छा खेला, द वे दे हैव एलिमिनेटेड टीम जब्बास, द वे दे वर प्लेइंग ऑसम अमेजिंग, इतनी बड़ी टीम को एकदम से इस तरह से शट डाउन करना एक काफ़ी अच्छी गेम स्टाइल की निशानी होती है। हाउस ऑफ ब्लड आज अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है, 8वें नंबर पे 0 किल के साथ एलिमिनेट हो चुकी है, आई होप सो कम बैक करेगी। नो चांस के साथ बैट पैक देखने को मिला विद 2 किल्स, दे आर ऑन द 10th, और टीम शट डाउन के साथ भी बैट पैक देखने को मिला 2 किल्स के साथ 11th नंबर पे देखने को मिल रहा है। और हमारा आज का जो सेकंड कस्टमर रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी परगेटरी कस्टम, और परगेटरी में कौन सी टीम कैसा खेलेगी ये भी हमें कुछ ही देर में आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे पाक जोकर्स वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, खालिद हुसैन ब्रो वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, जल्दी से 100 लाइक्स पूरे कर दो। बिल्कुल यार 100 लाइक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से पूरे कर दो। पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू सो मच मलिक अदनान, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम। और मैं कब बनाती, क्या चीज़ कब बनाती, पाक जोकर्स FF में कैसे, क्या बात है भाई, सब आपस में प्यार मोहब्बत में लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द 100 लाइक्स बॉयज, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब और शेयर नहीं ना किया फटाफट कर दो, क्योंकि द वे द थिंग इज कि अगर आप लोग फटाफट लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारे 17.5K की फैमिली कैसे पूरी होगी ब्रोस, डू लेट मी नो हाउ कुड इट पॉसिबल ब्रो।
जस्ट गेमिंग वाई टी, यार मेरा जवाब ही नहीं देते हो आप यार, आपका कमेंट ही नहीं मिला मुझे, मैं कैसे जवाब देता आपका। जस्ट गेमिंग वाई टी कहाँ पे आपने मैसेज किया जान के, टोटे नहीं मिला। गाइस जो भी मॉडरेटर के लिए कह रहे हैं, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी मॉडरेटर राइट नाउ, हम लोग मॉडरेटर नहीं बना रहे, मैं तो पुराने मॉडरेटर को भी रिमूव कर रहा हूँ। हम लोग मॉडरेटर्स बनाएंगे मेरी जान के टोटो, न्यू मॉडरेटर्स बनाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे एक टूर्नामेंट तो लेकर आने दो। अभी तो मैं रेगुलर चिल स्ट्रीम्स कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक प्रॉपर बड़ा टूर्नामेंट लेकर आऊँगा 20-30 हज़ार प्राइस पूल के साथ, तो इंशाल्लाह ताला उस टाइम पे मुझे मॉडरेटर्स की ज़रूरत होगी तो फिर मैं मॉडरेटर्स बनाऊँगा। अभी देखो यहाँ पे माहीन है, BTS आर्मी है, एनी है, उसके बाद रुकजा भाई है, कलीम है, ताहा है, उसके बाद आप आज जो और कौन है हमारे साथ, शहजादा है और कौन है, सब गर्ल्स हैं। अरे नहीं यार, आज एक्टिव गर्ल्स हैं यार, मैंने भी ये चीज़ नोट किया वैसे कि आज जितनी भी लड़कियां मॉडरेटर है ना मेरी, वो ऑनलाइन है यार। मतलब देखो यार, लड़कियां ज़्यादा लाइव स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रही होती हैं, पर लड़के अगर इतना सपोर्ट दिखाएं तो फिर लड़के भी बन सकते हैं। वैसे लड़के मेरे साथ ज़्यादा है मॉडरेटर, आपको बता दूँ, कलीम, ताहा, शहजादा, बैड एक्स और कौन है, सुल्तान, और उसके अलावा और कौन है, कौन कौन है, ताहा विलन है, विलन है, हाँ विलन है, और कौन है, शहजादा है, बैड एक्स है, अबे काफी ज्यादा लड़के हैं यार। यार पहला मैच काफी मजे करा वैसे यार, है ना, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मुझे ये लग रहा था कि यार बड़ी टीम्स कमबैक करेंगी, लेकिन न्यू टैलेंट आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया यार, और हमेशा की तरह जिस तरह से मैं न्यू टैलेंट को काफी ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, उसी तरह से आज कमबैक करते हुए दिखाई दिया जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही यार, आप इसी चीज़ का स्पैम कर रहे हो यार FF अहमद के भाई, आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हो, मेरा जवाब नहीं दे रहे हो, पैस की तुम कोई बात भी तो पूछना यार। एस तुम भी सरप्राइज, तुम भी थोड़ा सा एक्टिव हो यार, तुम भी मॉडरेटर बन जाओगे, सबसे पहले तुमने घबराना नहीं है। मैं इस रूम में हूँ, हमजा खान कह रहे हैं, क्या बात है यार। यार थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट कमेंट्स है ना, वो भी रीड करते रहना फ्री टाइम में। ओके बॉयज, यहाँ पे फिर से टीम जबास, मॉन्स्टर किंग, और यहाँ पर हमारे साथ दो टीम्स आ चुकी हैं। जबास भी अच्छी लूट करते हुए दिखाई दी जा रही है, और ऊपर यहाँ पे शटडाउन का स्क्वाड भी आ चुका है। फर्स्ट राउंड में बैड पैक देखने को मिला हमारे साथ, यहाँ पे उसामा खेल रहा है, गुज्जर खेल रहा है, कैप्टन खेल रहा है, और anas.com यानी कि खेलते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं, हॉट शॉट के मेन प्लेयर हमारे साथ। काफ़ी एक अच्छा गेम स्टाइल है इनका यहाँ पर, इनकी टीम के साथ प्ले कर रहे हैं, लेकिन आज टीम शटडाउन वो गेम प्ले नहीं दिखा रही है जो कि टीम हॉट शॉट से एक्सपेक्ट की जा सकती है। मैं कैसे आऊंगा, बेरी किधर आना है? अरे भाई मोबाइल लीग नहीं हो रही है यार, कौन सा नशा करके लाइव स्ट्रीम पे आते हैं यार, है ता? मैं कह रहा है अनस ने शटडाउन ज्वाइन किया, अनस ने हॉट शॉट छोड़ दिया, ना करो, अरे ये कब हुआ? ये कब हुआ? अरे भाई साहब, टीम जबास के मैक्सटॉन, बिल्कुल यहां पे पूरे का पूरा स्क्वाड शट डाउन कर दिया गया टीम जबास की जानिब से मॉन्स्टर किंग का। लास्ट टाइम मॉन्स्टर किंग के एक ही प्लेयर बचे थे और अच्छा खासा सरवाइव कर लिया था, लेकिन इस बार सरवाइव करने का मौका नहीं दिया गया बहुत अच्छी गेम प्ले के साथ।
भाई यार टीम जवाब बहुत अच्छा कब है यार, ये मुझे नींद क्यों आ रही आज। सलीम भाई कह रहा है मेरी तरफ से 2000 डायमंड दे, क्या कहते हो? हाँ भाई सलीम भाई हमें टॉप अप करा दो यार, ये लाइक टारगेट नहीं पूरा कर रहे यार। चलो यार टारगेट सेट करते हैं 25 की वॉचिंग पे, एक यूआईडी सेलेक्ट करूंगा ठीक है, 35 की वॉचिंग पे एक यूआईडी सेलेक्ट करूंगा, और 45 की वॉचिंग पे एक यूआईडी सेलेक्ट करूंगा, और 50 की वॉचिंग पे भी एक यूआईडी सेलेक्ट करूंगा भाई, सबको टॉप अप करके दूंगा। 4 यूआईडी सेलेक्ट करूंगा ठीक है, आप लोगों ने लाइक वॉचिंग टारगेट क्रॉस करवाना है, डन ठीक है ताहा? डन हो गया। तो बॉयज 15 की वॉचिंग है, अरे सरप्राइज की जानिब से भी एक स्पॉन्सर आया, आप लोगों को बताता चलूं कि 300 लाइक्स के ऊपर 500 डायमंड का, भाई क्या बात है भाई, बड़े बड़े स्पॉन्सर बैठे आज मेरी लाइव स्ट्रीम पे। तो बॉयज यार कहां कोई सुपर चैट वाला नहीं बैठा यार, लेकिन मेरी तरफ से भी एक स्पॉन्सर है बैठ गई यार, नहीं यार स्पॉन्सर नहीं चाहिए यार, अब सुपर चैट वाला चाहिए यार कोई भाई, सुपर चैट के चक्कर में बड़ा रोला हो गया तो आपको पता भी है मेरी तो भाई यार नहीं भाई, मुझे सुपर चैट वाला चाहिए मैं बोल रहा हूँ। भाई 300 लाइक करो मेरे तरफ से एक तुम्ही, अरे भाई 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 ऐसा नहीं भाई, ये नहीं हो सकता भाई, ये नहीं हो सकता भाई मेरी लाइव स्ट्रीम पे, ये नहीं हो सकता ब्रो। ओके बॉयज फिर से दो टक्कर की टीम सामने सामने आ चुकी है, सामने से नो चांस का स्क्वाड आ रहा है, और यहाँ पर हमें लाहौरियंस पीके देखने को मिल रहे हैं। इस बार देखना होगा कि शीरा रोमैन जोकर और यहाँ पे वलीजान कैसी गेम प्ले करेंगे, क्योंकि नो चांस पहले राउंड में काफ़ी बुरी तरीके से हारते हुए दिखाई दी जा रही थी, और यहाँ पर हमारे साथ मामलात करते हुए दिखाई दिए जाएगी, और अब ये मामला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और शेजर ने मेरे ख्याल से एक और प्लेयर को नॉक कर दिया है, बहुत अच्छी गेम प्ले देखने लिया है। यहाँ पे रेंजर भी डाउन, और यहाँ पे मेरे ख्याल से पहले टीम जबाज के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि टीम जबाज की यहाँ पर फाइट होते हुए दिखाई दी जा रही है, आगे बढ़ रहे हैं, टीम शट डाउन करते हुए दिखाई जा रहे हैं। जेक्स के साथ बहुत गंदा डैमेज, हेडशॉट दिया, डाउन किया, आगे बढ़ेंगे, प्लेयर की पावर बहुत कम, और यहाँ पे पूरी टीम जबाज को भी 10वें नंबर पे शट डाउन कर दिया है। अच्छा आगाज किया, बहुत अच्छा मामला करते हुए दिखाई दिए गए, यहाँ पर पूरे का पूरा मॉन्स्टर किंग स्क्वाड शट डाउन करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मामलात करते हुए दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शटडाउन टीम ने शटडाउन कर लिया गया है, और यहाँ पे ट्रिपल किल अनस हमारे साथ करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं, द वन एंड ओनली द चैंपियन द लीडिंग प्लेयर फ्रॉम टीम शटडाउन। और यहाँ पे टीम नो चांस की भी फाइट स्टार्ट हो चुकी है, पीके लाहौरियंस के एक प्लेयर को शट डाउन किया, आगे बढ़ेंगे, किम के एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया, टीएन के स्क्वाड यानी कि डीमन स्प्राइट के स्क्वाड को हमारे साथ आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर फाइट काफ़ी नाजुक हो चुकी है। क्लाउड 7 जैगवार्स भी आ चुके हैं हमारे साथ, और यहाँ पर फाइट करते दिखाई दे रहे हैं, सामने हाउस ऑफ ब्लड का स्क्वाड आ चुका है, और हाउस ऑफ ब्लड से हमारे साथ रेफ्स मॉइज मैडी और हाशिर खेलते हुए दिखाई जाएंगे, ईएल का स्क्वाड भी बिल्कुल आ गया है, तीन स्क्वाड्स एक दूसरे के पास देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कौन सा स्क्वाड यहाँ पे पहले शट डाउन होगा, क्या देखने को मिलता है कि कौन सी टीम ज़्यादा अच्छा खेलती है और कौन सी टीम पहले किसी को शट डाउन करेगी। और ये सारे के सारे टूर्नामेंट्स आरजे की होते हैं ब्रो, टेंशन नहीं लेनी, सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, अपनी फेवरेट टीम के बारे में कॉमेंट करें, लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, और हर 10 की वॉचिंग इनक्रीज करने पर आप लोगों को 50 डायमंड्स का टॉप अप दिया जाएगा, टोटल 200 डायमंड्स का गिव अवे है, सिर्फ और सिर्फ लाइव स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और 300 लाइक्स के ऊपर 500 डायमंड का गिव अवे ब्रो। भाई मौज कर दी ब्रो, हालात और मामला थोड़े से ठंडे पड़ गए यार, भाई टीम्स फिर से होल्ड कर गई है ब्रो, नो चांस भी अपने यार वली जान आज काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिल रहे हैं, इसके हालात थोड़े से डाउन देखने को मिल रहे हैं। वैसे एक अच्छा अटैकर है, FFPL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा होता है, लेकिन अभी नो चांस थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रही है काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक वीक फोर के बाद जो है मेरे ख्याल से टीम नो चांस थोड़ा सा गिव अप करते हुए दिखाई जा रही है, हालांकि ये बॉयज़ काफ़ी टैलेंटेड है और कम बैक कर सकते हैं रोमैन की लीडरशिप में, यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छे लीडर है और काफ़ी एक अच्छे
ही सपोर्ट प्लेयर हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी टीम को लीड करते हैं, काफ़ी अच्छे किल्स निकालते हुए दिखाई दे जाते हैं और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है, टीम नो चांस अभी तक सर्वाइव है, किल्स नहीं किया लेकिन अच्छा कमबैक किया जा सकता है इनकी जानिब से। टीम शट डाउन यहाँ पर जो कि कमबैक कर चुकी है उनसे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल हाउस ऑफ ब्लड कमबैक करते हुए दिखाई दी जा रही है। टीम टर्मिनेटर्स भी कमबैक कर रही है, लास्ट राउंड में भी अच्छा खेला लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डाउन जल्दी हो चुके थे, इस चीज़ की वजह से यहाँ पे पहले एलिमिनेट हो गए थे और आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दिए गए। अब देखना होगा कि भाई पीके लाहौरियन जिनका पहला मैच भूया निकला है, क्या सेकंड मैच में अपने भूया को मेंटेन कर पाएंगे। हमारे साथ इस बार एक किल उमर कर चुका है और दो किल जेंटल करते हुए दिखाई जा रहे हैं। जोन प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं तो जोन में पहले से हाउस ऑफ ब्लड ईएल आ चुकी है, शट डाउन आ चुकी है, टर्मिनेटर को जोन के अंदर आना होगा, लाहौरियंस को जोन में आना होगा और नो चांस को वापस सेंट्रल पर ही जाना होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल देखने को मिल रही है मुझे क्लाउड सेवन के लिए, टीएस के स्क्वाड के लिए और पीके लाहौरियंस और एवेंजर्स भी आपस में फाइट कर सकते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा करीब एक दूसरे के क्लोज देखने को मिल रहे हैं और शॉर्ट रेंज में फाइट हो सकती है। अब चलते हैं देखते हैं कि जो टीम स्ट्रगल कर रही है हमारे साथ यहाँ पर, जो टीम्स पहले से इंतज़ार कर रही हैं बैठी हुई हैं जोन के अंदर, क्या यहाँ पे वो शट डाउन कर पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे शट डाउन कर सकते हैं बैक साइड से। हमारे साथ टीम जो है वो आ रही हैं, हमारे साथ टीम जैगवार आ रही है और वो यहाँ पर स्ट्राइक करेगी टीम हमारे साथ हाउस ऑफ ब्लड के साथ। टीम नो चांस यहाँ पे काफ़ी सिक्योर है, क्लाउड सेवन को जोन में जाना है और क्लाउड सेवन लेफ्ट साइड पे रोटेशन लेके मूव ऑन कर रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पर सीधा जाते हैं इधर से भी रोटेशन लेकर तो इनके लिए तब भी मुश्किल आ सकती है। मसूम आगे बढ़ रहे हैं, आशु आगे बढ़ रहे हैं, रहील आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लड की अगर बात कर लीजिए तो एच ओ बी का स्क्वाड भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी गेम प्ले कर रहा है, टर्मिनेटर का स्क्वाड भी यहाँ पर बहुत अच्छी गेम प्ले कर रहा है और यहाँ पर अजान सरप्राइज मास्टर और यहाँ पर हमारे साथ रिवेंजर आ चुके हैं। बिल्कुल यहाँ पे ग्लूवाल का इस्तेमाल कर लिया गया है, सामने टीम नंबर लाहौरियंस आ चुकी है, जेंटल पीके के पास M79 है गेम चेंजर वेपन और यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर थोड़े से हल्के सूरत हाल देखने को मिल रही है। टीम आगे बढ़ चुकी है और जेंटल पीके क्या अपने M79 का इस्तेमाल कर पाएंगे, बिल्कुल आगे बढ़े लेकिन अभी तक कोई भी प्लेयर डाउन नहीं किया, एक प्लेयर को डाउन किया, सरप्राइज बैक साइड से दे रहे हैं। ओ माय गॉड, अच्छा स्ट्राइक था लेकिन यहाँ पे मुश्किल हो सकती है, बिल्कुल शट डाउन कर सकते हैं। हमारे साथ मास्टर आए और यहाँ पे वन मैन आर्मी अपने प्लेयर के लिए किल करते हुए दिखाई दिए जा रहे थे और जबरदस्त गेम प्ले के साथ यहाँ पे मूव ऑन कर रहे हैं। सरप्राइज ने दो किल ले लिया अपनी टीम के लिए, टोटल ट्रिपल किल के साथ पूरा लाहौरियंस पीके का स्क्वाड शट डाउन कर दिया है। बैक साइड से टीम नंबर वन आ चुकी है और टीम नंबर वन अब यहाँ पर क्या छोड़ेगी या फिर नहीं छोड़ेगी। हमारे साथ टर्मिनेटर्स को काफ़ी अच्छा डैमेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जोन भी श्रिंक हो रहा है यहाँ पे अच्छा डैमेज के साथ, बैक ऑफ कर रहे हैं अच्छे ग्लूवाल्स, काफ़ी ज़्यादा ग्लूवाल्स डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और यहाँ पे टर्मिनेटर्स के लिए अब मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि जोन भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज देगा क्योंकि ये जोन पहला जोन नहीं है, दूसरा जोन देखने को मिलेगा और रिवेंजर को यहाँ पर डाउन कर दिया गया है। मास्टर और अजान और सरप्राइज अच्छी रोटेशन के साथ मूव ऑन कर रहे हैं जोन में क्योंकि यहाँ पर कोई भी टीम नहीं है और वाकई ही फायर ब्रिगेड पे एक इनको अच्छा कैंप करने का मौका भी मिल सकता है। टीएस ने बहुत अच्छा यहाँ पे टीम को कैचअप किया और यहाँ पे शट डाउन करने की कोशिश की और यहाँ पर हमारे साथ बात करते हैं टीम शट डाउन की, तो टीम शट डाउन हमारे साथ चार किल्स के साथ फिर से कमबैक कर रही है और यहाँ पर ईएल का स्क्वाड इनके बिल्कुल सामने आ चुका है, लोकेशन एक्सपोज हो चुकी है, बिल्कुल जोन भी इधर ही बन चुका है, टीम नंबर टू पूरी की पूरी जोन में बैठी हुई और यहाँ पर क्या टीम शट डाउन इनको शट डाउन करके यहाँ पे अपनी पोजीशन बना पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। टीम हाउस ऑफ ब्लड कमबैक करने के लिए तैयार है कि नहीं करने पाएंगे क्या लगता है, क्योंकि हाउस ऑफ ब्लड ने भी अभी तक अच्छी पोजीशन भी नहीं लिया और अच्छे किल्स भी करते हुए दिखाई नहीं दिए गए हैं। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, स्टिल कोई भी सीन मुश्किल हो सकता है और कमबैक किया जा सकता है हर टीम की जानी से। फिर से यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो चुकी है टीएस वर्सेस क्लाउड सेवन की और यहाँ पर डबल वेक्टर के कहर के साथ आगे बढ़े, एक प्लेयर को डाउन किया बैक साइड से, यहाँ पर हमारे साथ लीडर बचे और मेरे ख्याल से यहाँ पे ग्रेनेड करना एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, ऑप्शन रहेगी और मसूम को काफ़ी ज़्यादा डैमेज आगे बढ़ रहे हैं, नकी रहील भी आगे बढ़ रहे हैं, मसूम को डाउन कर दिया गया और यहाँ पर बैक साइड से रोटेशन लेंगे और देखना होगा कि क्या इनकी रोटेशन सक्सेसफुल रहेगी। बिल्कुल यहाँ पे क्रोनो लगाकर प्लेयर को चार्ज कर लिया गया है, रिवाइव कर दिया गया है, अब यहाँ पर लीडर को मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा कवर देने की ज़रूरत है और यहाँ से हमारे साथ जेस जो हैं वो अच्छा एक स्ट्रॉन्ग कवर दे रहे हैं। लीडर को देखा, बिल्कुल मासूम की पावर बहुत कम डाउन किया जा सकता है लेकिन लीडर के ऊपर पूरे का पूरा स्क्वाड एक साथ आ चुका है और यहाँ पर बिल्कुल डाउन किया
वन डाउन, ओ माय गॉड, मासूम की पावर भी बहुत काम, टू डाउन, खेल कंफर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। आशुर अपने प्लेयर को रिवाइव किया, राहिल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं लीडर, और यहां पे बेल कॉल डाउन कर दिया जाएगा राहिल को भी। लीडर की पावर काफी कम हो चुकी है, आशु अकेले बचे अपने स्क्वाड के लिए, और पूरा स्क्वाड यहां पे जैगवार्स को शट डाउन कर दिया गया है। टीएस अनबिलीवेबल, स्पेशली लीडर विद ट्रिपल किल, आगे बढ़ेंगे और यहां पर अब पीछे से डैमेज पड़ेगा ब्रो। यहाँ पर अकेले जिपलाइन यूज करना एक बहुत गलत डिसीजन था। बहुत अच्छी बात है टीम नो चांस यहाँ पर ये किल कंफर्म करने में कामयाब हो चुके हैं, और ये किल रोमैन ने ले लिया बिल्कुल। एक और प्लेयर को हंट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर, मेरे ख्याल से अब प्लेयर को हंट नहीं कर सकते क्योंकि उसने रोटेशन अच्छी ले लिया है। सामने हमें यहाँ पर टर्मिनेटर का स्क्वाड देखने को मिल रहा है, और ईएल का स्क्वाड भी एक बहुत प्राइम लोकेशन पर बैठा हुआ है। यहाँ पर लूट देखने को मिल रही है, और हमारे साथ यहाँ पर क्या लूट करके अभी यहाँ पर टर्मिनेटर भी एक यंग ब्लड है, और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकता है। टीम्स आगे बढ़ते हुए दिखाई दी जा रही हैं, टीम शटडाउन भी एक बहुत अच्छी पोजीशन बना चुकी है। हाउस ऑफ ब्लड स्टिल सर्वाइविंग ऑन द मैप, और यहाँ पर अब छोटे जोन में कौन सी टीम पहले पंगा लेगी। बिल्कुल टर्मिनेटर की फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, आगे बढ़े नो चांस को, यहाँ पे अच्छा डैमेज, ओ माई गॉड, What a beautiful game changer weapon M79 के साथ यहाँ पे शीरा ने एक और किल कर लिया है। नो चांस का बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिल रहा है, लेकिन किल्स की बात की जाए तो यहाँ पे जोकर को अभी तक किल नहीं मिला। शीरा दो किल कर चुके हैं, रोमैन दो किल कर चुके हैं, और शीरा जोकर अभी तक तैयार है क्योंकि अजान अभी तक जिंदा है, और अजान के पास मौका है क्योंकि उसके पास मेरे ख्याल से डबल वेक्टर है। बिल्कुल यहाँ पे डबल वेक्टर का कहर मौजूद है, और यहाँ पे डबल वेक्टर के साथ यहाँ पे क्या डायरेक्टली डैमेज दे के यहाँ पे मामला कर पाएंगे, कौन सी टीम बुया करेगी। गाइस स्पैम करना स्टार्ट कर दें क्योंकि मैच के एंड हो चुका है, और हर मैच के एंड पे एक लकी यूआईडी को सिलेक्ट किया जाएगा। आप लोगों ने स्पैम करना, और मैं रैंडम कमेंट पिक करूंगा, उसको 50 डायमंड्स का गिव अवे दिया जाएगा कि कौन सी टीम बुया करेगी। यहाँ पे टर्मिनेटर्स भी शट डाउन हो चुकी है, 5 किल्स ले चुके हैं हमारे साथ, नो चांस, शट डाउन एक किल के साथ अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन सर्वाइव कर रहे हैं किल्स नहीं दे रहे हैं। हाउस ऑफ ब्लड की सपोर्ट आ रही है, नो चांस की सपोर्ट आ रही है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लड के ऊपर भी चलते हैं, देखते हैं कि हाउस ऑफ ब्लड की क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। मैडी आगे बढ़ चुके हैं, मॉइज आगे बढ़ चुके हैं, रेफ एक्स आगे बढ़ चुके हैं, और हमारे साथ मॉइज, आशिर, सारे के सारे प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे रेफ एक्स की पावर बहुत कम है, नो चांस काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे रही है, और यहाँ पे उसामा को बहुत अच्छा डैमेज मैडी की जानिब से। मैडी ये किल कर चुके हैं अपनी टीम के लिए, और एक ही किल के साथ यहाँ पे जोन के अंदर जाने की तैयारी की जा रही है, बहुत अच्छी पोजीशन ले ली है। ईएल अभी तक अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, नो चांस के पास सेंटर ऑफ द जोन आ चुका है। टीम शट डाउन के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि यहाँ पर अगर ये ईएल का लोकेशन ले लेते तो काफी मुश्किल हो सकती थी। ओ माई गॉड, टीम हाउस ऑफ ब्लड ने यहाँ पे रोमैन को किया डाउन, और ये किल कंफर्म करेंगे बिल्कुल। मॉइज इसके साथ ही साथ यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, हाउस ऑफ ब्लड ये बुया लेने के लिए तैयार है, और इसके साथ ही साथ मामला करते दिखाई जा रहा है। बिल्कुल जोकर की पावर भी काफी कम दिखाई दी जा रही है, स्ट्राइपर का एम किया हुआ है, क्या जोकर को इसकी स्ट्राइक देखने को मिलेगी या फिर नहीं। बिल्कुल 127 57, अनबिलीवेबल स्नाइपिंग बाय मॉइज, और जोकर को किया डाउन। आर यहां पर अकेले एक ही प्लेयर बचे हैं, टीम नो चांस से, टीम शट डाउन के भी अनस 4 किल के साथ क्वाड्रा कर चुके हैं, और उसामा 1 किल कर चुका है। यहाँ पे हमारे साथ आगे बढ़ते दिखाई जा रहे हैं, हाउस ऑफ ब्लड को डैमेज देने की कोशिश, तैयार है हाउस ऑफ ब्लड को, तैयार है शट डाउन करने के लिए। मैडी को बहुत गंदा डैमेज, आगे बढ़े ग्लूवल का इस्तेमाल, मैडी ग्रेनेड लुक कुक करते हुए यहाँ पर बिल्कुल इसकी जाने से भी ग्रेनेड कर दिया गया, और बिल्कुल एक और ग्रेनेड मैरी, और बिल्कुल डाउन हो चुके हैं, टीम हाउस ऑफ ब्लड को शट डाउन कर चुके हैं। अनस को एक किल मिल चुका है, और यहाँ पे शीरा भी इलिमिनेट हो चुके हैं। टीम नंबर 2 ने बहुत अच्छा गेम प्ले किया, यहाँ पे ट्रिपल किल के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, टीम शट डाउन, और टीम एल जितने भी लोग यहाँ पे HOB और NC का यहाँ पे स्पैम कर रहे थे उन सबकी छुट्टी हो चुकी है। अभी आप लोग अपना कमेंट नहीं बदल सकते हैं, आप लोग अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते रहें। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ जो है ईएल का स्क्वाड जो है यहाँ पर आ चुका है, तैयार है, और यहाँ पर बिल्कुल अनस को डाउन करने के लिए तैयार। अनस अकेले 5 किल्स के साथ अपनी स्क्वाड के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, और बिल्कुल बहुत कम पावर, आगे बढ़े, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल स्ट्राइक्स, टकाशी अकेले बचे हैं, और यहाँ पर मेडकिट भी इस्तेमाल कर ली गई है, और बिल्कुल ग्रेनेड थ्रो किया लेकिन ग्रेनेड का फायदा नहीं हुआ। टकाशी की पावर बहुत कम, टीम शट डाउन अपने पूजा के लिए तैयार, और यहाँ पे टकाशी गॉट एलिमिनेटेड, ये खेल लिया हमारे साथ अनसन ने, बहुत अच्छी गेम प्ले, और बिल्कुल यकीन हमारे साथ यहाँ पर MVP बनते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं शट डाउन से HS अनस, बहुत अच्छा MVP।
क्या गेम स्टाइल था, गेम चेंजिंग वेपन देखने को मिला था, लेकिन गेम चेंजर, गेम चेंजिंग प्लेयर यहां पर हमारे साथ आ चुके हैं अनस विद 7 किल्स ऑल अलोन फॉर टीम शट डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। टोटल 8 किल्स के साथ टीम पहले नंबर पे भुया कर चुकी है, और जिस भुया का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था वो भुया अब हमारे साथ यहाँ पे देखने को मिल चुका है इनकी जानिब से। और दूसरे नंबर पे ईएल ने बहुत अच्छा गेम प्ले किया विद 2 किल्स, नो चांस, क्या कमबैक कर चुकी है हमारे साथ शीरा 5 किल, रोमैन 2 किल और जोकर 1 किल, टोटल 8 किल्स के साथ तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। हाउस ऑफ ब्लड बहुत अच्छा कमबैक विद 2 किल्स, किल ज़्यादा नहीं किए लेकिन चौथी पोजीशन लेने में कामयाब हो चुके हैं। टर्मिनेटर 5वीं पोजीशन और TSK स्क्वाड ने 6 पोजीशन विद 4 किल्स। बैड पैच देखने को मिला इस राउंड में हमारे साथ क्लाउड 7 के साथ, PK के साथ, GX के साथ कॉन्टीन्यूसली दूसरा बैड पैच देखने को मिला, और मॉन्स्टर किंग के साथ इस कस्टम में भी बैड पैच देखने को मिला। अब हमारे बारी आती है थर्ड कस्टम की। अनएक्सपेक्टेड बुया था यार, रोकियन RDX वाले टूर आपने जो कम्युनिटी पर लगाया है था उस कब शुरू होगा प्लीज बता दो भाई। वो शुरू होकर खत्म भी हो गया यार, उसकी तो टीम्स भी इंडिया जाते हुए दिखाई दी जाएंगी अब तो। फ्री फायर एशियन वॉरफेयर फिनाले आप लिखो RG ऑफिशियल की, आपको स्ट्रीम देखने को मिल जाएगी। मैक भाई सब कर दूं फ्री है ना, मौजू MG शटडाउन के मौजू आ चुके हैं, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम ब्रो। बिल्कुल सब्सक्राइबर फ्री है, लेकिन तुमने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे पता है, क्योंकि मेरी चैट जो है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया होता वो मेरे साथ चैट नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच जो भी ज्वाइन कर रहा है लाइव स्ट्रीम को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर 130 लाइक्स, पहले दो मैचेस में ही आप लोगों ने 130 लाइक कर दिए, अब आप लोग लाइव स्ट्रीम को दोबारा से शेयर कर सकते हैं। अब हम लोग सेलेक्ट करते हैं अपनी लकी UID, तो गाइज स्पैम स्टार्ट कर दिया जाए अब, RGA फैमिली का स्पैम आ जाए थोड़ा सा, ताकि हम लोग किसी एक लकी UID को सेलेक्ट करें, लकी नेम को सेलेक्ट करें। नहीं भाई, आप और एनी ये जो है ना उस बंदे की UID नोट कर लेना था। सुपर चैट दे दूं मैक ब्रो? हाँ भाई सुपर चैट फ्री नहीं है, लेकिन तुम दे सकते हो, ये तो सुपर चैट करने पे पता लगेगा कि कितने का सुपर चैट किया तुमने। मालिक मुझे Season 2 चाहिए, क्या बात है भाई, भाई सीजन ओ भाई साहब, मॉन्स्टर किंग GX और टीम नंबर 5, उफ तीन तीन टीम्स एक जगह पे आ चुकी है। हाउस ऑफ ब्लड के मॉइस को डाउन कर दिया गया है, टीम MK बहुत अच्छा गेम प्ले, बहुत अच्छा स्टार्ट, आशीर बचे हैं रेंजर के पास, यहाँ पे क्रोनो चार्ज कर लिया गया है, आशीर भी आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर मॉइस को अब रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है नाकाम, लेकिन रेंजर अपना किल कंफर्म कर चुके हैं। मॉन्स्टर किंग वर्सेस GX फिर से देखने को मिल रहा है, एक बार ये फाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा टक्कर का अख्तियार कर चुकी है, लेकिन एक बैड पैच देखने को मिल रहा है। टीम हाउस ऑफ ब्लड के भी दो प्लेयर यहाँ पर कल्ली वल्ली हो चुके हैं, और आशीर भी अब बिल्कुल बहुत नाजुक सूरत हाल में Y444 के पास आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बैक साइड से यहाँ पे डैमेज देखने को मिल रहा है। आशीर को काफ़ी सर्वाइव खेलना होगा, टीम जबाज भी रश कर चुकी है, टीम जबाज हमारे साथ और बिल्कुल डाउन करके ये किल अपने नाम कर चुके हैं, और बिल्कुल MKYT ने यहाँ पे आशीर को किल कर दिया, बहुत अच्छा गेम प्ले। Y444 यहाँ पे डैमेज दे रहे हैं टीम यहाँ पर GX को, टीम जबाज को। मॉन्स्टर किंग वर्सेस टीम जबाज वंस अगेन, दोनों का लैंडिंग स्पॉट सेम है और यहाँ पर फाइट करते हुए दिखाई जा रहे हैं। जट मिनी लॉन्चर क्रिएट से बहुत अच्छे थ्रोइंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या इनको डाउन कर देगा, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल शेजर के, जट के पास पावर बहुत कम है, अकेले पूरे स्क्वाड के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे बैक ऑफ करना चाहिए मेरे ख्याल से, एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा इस टाइम पे बैक ऑफ करना। जट की पावर बहुत कम, हेडशॉट लगाया लेकिन अच्छी रोटेशन, बैक साइड से गए बिल्कुल शेजर को डाउन किया, जट को भी डाउन कर दिया गया है और लॉन्चर उनके काम नहीं आया, रेंजर ये किल कंफर्म करेंगे, बिल्कुल यहाँ पे रिवाइव दे दिया गया शेजर को, और टीम जबाज इस वक्त काफ़ी मुश्किल सूरत हाल में, दो प्लेयर्स अभी तक अलाइव हैं और यहाँ पर टीम GX के जो प्लेयर को डाउन किया था वो भी किल कंफर्म नहीं करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं, लेकिन लूट दोनों के पास काफ़ी लिमिटेड है और यहाँ पे मामलात करते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं। स्पैम स्टार्ट हो चुके हैं
और 30K काउंटडाउन के साथ ही साथ वो लकी यूआईडी सेलेक्ट कर ली जाएगी जो आज हमारे साथ विनर होगा आज के फर्स्ट 50 डायमंड टॉप अप का, जो कि इस मैच के फौरन बाद होगा। वाइट आगे बढ़े हैं बिल्कुल फिर से, टीम जेएक्स का भी एक प्लेयर को डाउन है, एमके वाईटी भी डाउन है, लेकिन एमके वाईटी को भी रिवाइव दिया जा रहा है। शेजर भी अपने प्लेयर को रिवाइव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और वाइट ट्रिपल फोर ने अपने प्लेयर को रिवाइव किया। शेजर की पावर बहुत कम, बिल्कुल शेजर को डाउन कर दिया गया, ये किल कंफर्म कर लिया जाएगा बिल्कुल शेजर का। और आगे बढ़े, वाइट ट्रिपल फोर को डाउन किया। अरे थोड़ी सी एक मिस्टेक देखने को मिल रही है कि टीम पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है और टीम जो है हमारे साथ यहाँ पर अकेले अकेले रश कर रही थी। शेजर आगे बढ़ेंगे और शेजर को फिर से डाउन किया, शेजर तीसरी बार डाउन हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ माननी पड़ेगी कि पूरे का पूरा मॉन्स्टर किंग स्क्वाड यहाँ पे शट डाउन करते हुए दिखाई दी जा रही थी। दो किल हमारे साथ हाउस ऑफ ब्लड के भी ले लिए गए थे और सोलो मोबाइल चैंपियनशिप कब आएगी यार? सोलो मोबाइल चैंपियनशिप बहुत जल्दी आएगी यार, बस अगले महीने से मैं फ्री हो रहा हूँ यार। अभी मैं FFPL की कास्टिंग कर रहा हूँ ना सल्लू और दाऊदी के साथ, समझते क्यों नहीं हो यार? नहीं ऐसे नहीं, वो बोलना समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ओके बॉयज, यहाँ पे टीम शट डाउन की फिर से फाइट स्टार्ट हो चुकी है। डीमन स्प्राइट का स्क्वाड सामने देखने को मिल रहा है और बिल्कुल यहाँ पर बहुत कम पावर, आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। और यहाँ पे ग्लूआ लगाया, वन डाउन टू डाउन और आगे बढ़े बिल्कुल। बहुत अच्छी स्ट्राइक यहाँ पे फिर से है अनस की जानिब से, यहाँ पर एक ही किल देखने को मिला कैप्टन विद डबल किल। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ एक किल ओसामा की जानिब से भी देखने को मिला। पूरे का पूरा डीमन स्प्राइट यहाँ पर पहले राउंड में अच्छा खेला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब काफ़ी डाउन जाते हुए दिखाई दी जा रही है। टीम शट डाउन ने काफ़ी कमबैक किया है दूसरे कस्टम से, टीम जबास ने कमबैक किया है और इसके अलावा TSK स्क्वाड ने कमबैक किया, PK ने अभी तक कमबैक नहीं किया, C7 ने अच्छा खेला है लेकिन यहाँ पे लास्ट मैच उनका भी ख़राब गया है। अब देखना होगा कि नो चांस ने भी कमबैक किया है, इस कस्टम में नो चांस शट डाउन और ये मामला करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। चले देखेंगे, ये सब कुछ भी आपको देखना होगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अभी काउंट डाउन ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर काउंट डाउन देंगे 10, 9, 8, 7, 6। Five, 4, 3, 2, 1, and the lucky winner is, Taha. जी सर, खत्म कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है, अनाउंस कर दे। जी अनाउंस कर दे, भेजा अनाउंस कर दे मेरे पास। अरे नहीं मैं बोल रहा हूँ, अनाउंस कर दे, अनाउंस कर दे, कर दे। ओके बॉयज, द लकी विनर फॉर द फर्स्ट गिव अवे इज यार, नहीं यार दिल नहीं कर रहा अरे सारी आवाम इतने सस्पेंस पे बैठी हुई है कि मैक भाई अभी नाम बोलेंगे। ओके गाइस, यहाँ पे मैं नाम एक्सपोज कर रहा हूँ, द लकी विनर फॉर द वेरी फर्स्ट गिव अवे इज, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। अरे किधर गया रिजल्ट? 37 आज ऑफिशियल, थैंक यू सर। नहीं गाइस, यहाँ पे आज के जो लकी विनर हैं वो हैं हमारे साथ अल्फा FF। कांग्रेचुलेशंस ब्रो, अल्फा FF कांग्रेचुलेशंस ब्रो, अल्फा FF की UID ले लो। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। अगली UID भी सिलेक्ट करेंगे। ओके बॉयज, यहाँ पे टीम नो चांस वर्सेस टीम क्लाउड 7। ओ माय गॉड, रोमैन को डाउन किया, वली जान की पावर भी बहुत कम और बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पे इस्तेमाल ना किया जाता क्रोनो का तो काफी मुश्किल हो सकती थी, लेकिन अभी रोमैन को रिवाइव कर दिया गया है और यहाँ पर क्लाउड 7 आगे बढ़ते हुए दिखाई जा रही है। क्या यहाँ पे हमारे साथ मुश्किल का सामना करने को देखने को मिल सकता है? शीरा आगे बढ़ चुके हैं और शीरा काफी एक मेन प्लेयर है
रोमैन को फिर से रिवाइव कर दिया गया है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे शीरा तैयार है अपने प्लेयर के लिए। रोमैन फिर से डाउन, थर्ड टाइम डाउन हो चुका और इस बार बिल्कुल जोकर भी खत्म हो चुके हैं। राहिल ये किल ले चुके हैं, शीरा के लिए काफी मुश्किल हो सकती है और यहाँ पर अब देखना होगा कि अब क्या अपने लिए मामला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे शीरा को मेरे ख्याल से डैमेज देना चाहिए, सारे के सारे प्लेयर्स काफी दूर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे होल्ड देखने को मिल रहा है हमारे साथ नो चांस की जानिब से। और क्लाउड सेवन का पूरा स्क्वाड जिंदा है, लेकिन मेरे ख्याल से दो प्लेयर्स होने की वजह से अभी अटैक रोक दिया गया है और यहाँ पर बिल्कुल राहिल को डैमेज देने के लिए तैयार हो चुके हैं। माइन का इस्तेमाल किया जाएगा, मासूम बैक साइड से रोटेशन लेकर बैठे हुए हैं। कूदने के अलावा मेरे ख्याल से इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरे मासूम गॉट द किल, नकी को डाउन कर दिया था लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मासूम को डाउन नहीं कर पाया और मासूम ने यहाँ पर ये किल ले लिया गया। शैडो हाईलाइट वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, शफी ब्रो वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम। ताहा यूआईडी नोट कर लिया है? नोट कर लिया ना जी? कर लिया, कर लिया। ओके 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 अल्फा ब्रो, अभी आपको डायमंड टॉप अप आ जाएंगे कस्टम के बाद। आपने हमारा आरजीएल अल्फा जे डॉट अल्फा, ये जे डॉट वाला है? नहीं यार, इसने तो अब आरजीए छोड़ दिए, इज नॉट द पार्ट ऑफ आरजीए। हां वही है, लेकिन मुझे वही लग रहा है, वही है। ठीक है ठीक है, आगे आगे भी तीन यूआईडीज को सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ ही साथ चारों को इकट्ठा भेजेंगे। आप लोगों ने इसी तरह से लाइव स्ट्रीम पे बने रहना है और बॉयज आप लोग टारगेट अचीव करो, अगला गिव अवे 65 लाइक्स के ऊपर दे दिया जाएगा। 65 लाइक्स पे हमारा नेक्स्ट लकी यूआईडी को सेलेक्ट किया जाएगा। जिस तरह से पहली यूआईडी सेलेक्ट की गई है, इसी तरह से अगली यूआईडीज भी सेलेक्ट की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेलेक्ट होनी थी, चार लकी विनर्स को यहाँ पे गिव अवे दिया जाएगा। 150 लाइक्स हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर किंग की टीम है बिल्कुल यहाँ पे, लेकिन एलिमिनेट हो चुकी है SMQT। वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम। मैडी की सपोर्ट आ रही है यार, मैडी किधर है इसका? मैडी पहले दिखा दो, नहीं तो ये बहुत शोर करेगी। मैडी अब हमारी जिंदगी में नहीं रहा। ओ माय गॉड, टर्मिनेटर्स के दो प्लेयर्स को शट डाउन कर दिया गया है, एक ही प्लेयर है और यहां पे शट डाउन काफी स्ट्रॉन्ग सूरत हाल में और यहां पर किल्स लेते हुए दिखाई जा रहा है। बिल्कुल शट डाउन के भी दो प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया है, बैक साइड से टीएस अटैक कर चुके और थर्ड पार्टी का पूरा मजा लेने के लिए तैयार है। और यहाँ पे anas.com भी अकेले बचा, anas.com का बहुत खतरनाक हेडशॉट। टर्मिनेटर्स अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने के लिए तैयार है, बिल्कुल यहाँ पे डाउन कर दिया गया है, दोनों प्लेयर्स को डाउन कर दिया, ये किल कंफर्म करेंगे और अपने प्लेयर्स देने के लिए तैयार है। टर्मिनेटर के अजान को बहुत ज्यादा डैमेज, anas भी तैयार है और यहाँ पर बिल्कुल किल लेते हुए दिखाई जा रहे हैं। टर्मिनेटर के प्लेयर्स बहुत कम anas.com के पास आ चुके हैं और anas.com अकेले बचे हैं रिवेंजर्स, यानी कि सॉरी टर्मिनेटर्स अपने प्लेयर्स को रिवाइव करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और टीम नंबर वन यहां पर बिल्कुल थर्ड पार्टी कर रही है और यहां पर बिल्कुल मुझे लग रहा है कि टर्मिनेटर को शट डाउन किया जा सकता है बिल्कुल, क्योंकि पूरे का पूरा फ्रेश स्क्वाड आ चुका है और यहां पे डाउन किया, आगे बढ़े बिल्कुल और वन डाउन, जेस को भी डाउन कर दिया, अपने भी एक प्लेयर को यहां पे नुकसान उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मास्टर की बात की जाए, एक और टीम यहां पर आ चुकी है थर्ड पार्टी के ऊपर, फोर्थ पार्टी के ऊपर फिफ्थ पार्टी, लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि anas.com अभी तक उन सब में सर्वाइव है। अरे 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 अरे, ओ माय गॉड, अरे भाई तीन टीम्स के अंदर अकेला, लेकिन अब नहीं ब्रो, बहुत किल ले लिए तुमने। टीएल का स्क्वाड बहुत अच्छा कमबैक, लेकिन टीएस के प्लेयर सामने आ चुके हैं बिल्कुल, यहां पे क्रोनो का चार्ज
ग्लूआ लगाया, कवर में जा चुके हैं टीम नंबर वन काफी मुश्किल में। ईएल के तीन प्लेयर्स और टीएस के दो प्लेयर्स है, ग्रेनेड का अच्छा इस्तेमाल, लीडर आगे बढ़े, लीडर वन मैन आर्मी खेलने वाले हैं, आखिरी प्लेयर बचा है लीडर, कितनी देर जिंदा रहेंगे वन मैन आर्मी अपने स्क्वाड के लिए। ओ माय गॉड, अच्छी स्ट्राइक थी लेकिन यहाँ पर ईएल ये राउंड आखिरकार विन करने में कामयाब हो चुकी है। चार की चार टीम्स यहाँ पे देखने को मिल रही थी जो कि यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर अब नहीं रहा, और इसके साथ ही साथ मामला करते हुए दिखाई दिए जा रहे थे। थैंक यू सो मच यार, जो भी अपनी आईडीज स्पैम कर रहे हैं, आरजे फैमिली स्पैम कर रहे हैं, 65 लाइक्स का टारगेट अचीव करते ही लाइक्स नेक्स्ट आईडी सेलेक्ट की जाएगी, नेक्स्ट यूआईडी जिसको गिव अवे दिया जाएगा। पीछे फिर से कम बैक, लेकिन यहाँ पे टीम जबास का काफी टक्कर का मुकाबला, क्रोनो का इस्तेमाल, और यहाँ पर जीएक्स को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जेंटल पीके जा चुके हैं और यहाँ पर शेजर को डाउन करने के लिए तैयार। बहुत अच्छा गेम स्टाइल इनकी जानिब से देखने को मिल रहा है, खुद को कवर में ले लिया गया, शेजर की पावर बहुत कम, शेजर यहाँ से रोटेशन लेके जा चुके हैं, बैक साइड से आएंगे और आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी यहाँ पर कम बैक देखने को मिलेगा इनकी जानिब से, नहीं बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे जेंटल पीके द अमेजिंग प्लेयर एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे देखने को मिल रहा है लाहौरियंस पीके के स्क्वाड की जाने से, और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं ईएल वर्सेस लाहौरियंस। फिर से लाहौरियन पीके अपना दूसरा बुया लेने के लिए तैयार है, और ईएल को काफी टक्कर का डैमेज यहाँ पे शट डाउन किया, नो चांस यहाँ पे शट डाउन हुई टीम जो है, शट डाउन हुई। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे ईएल का स्क्वाड बचा, टीम जबास शट डाउन हुई, टीम पीके लाहौरियंस यहाँ पे तीन किल के साथ तैयार है, बुया लेके जाएगी, लेकिन ईएल के पास भी इक्वल मुकाबला है, इक्वल मौका है यहाँ पे विन करते हुए दिखाई दे रहा है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर ईएल जिस तरह से गेम प्ले कर रहे हैं, उमर को डाउन कर दिया गया, टैशी रिवाइव करेगा, ओह माय गॉड, टू डाउन, आखिरी प्लेयर बचे हैं वॉल्फ, और यहाँ पे क्या ग्रेनेड की बारिश की जाएगी, लाहौरियंस के पास एक अच्छा मौका है उतराई उतरने का, और यहाँ पे बिल्कुल जेंटल पीके को काफी खतरनाक डैमेज फौजी की जानिब से ग्रेनेड को तैयार कर लिया गया, और यहाँ पे बिल्कुल ग्रेनेड दालाक फायदा होगा, बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, एक और ग्रेनेड लेकिन बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ, थर्ड ग्रेनेड का बिल्कुल फायदा हो चुका है, एक नहीं दूसरा नहीं तीसरी ट्राई पे कुछ ना कुछ फायदा मिला, जेंटल पीके बहुत अच्छा ग्रेनेड डाला, बिल्कुल ऑन स्पॉट था लेकिन उसका फायदा नहीं देखने को मिला। आगे बढ़े फौजी यहाँ पे क्रोनो का चार्ज, आगे बढ़े बैक ऑफ करना पड़ा, उस साइड से भी ग्रेनेड की बारिश स्टार्ट हो चुकी है, 3v3 की बारिश, ईएल विन करेगी या फिर लाहौरियंस पीके, दोनों शॉर्ट रेंज में आ चुके हैं, लास्ट राउंड लास्ट मैच, और यहाँ पे मैच भी लगा दिया गया आगे पीछे ऊपर नीचे, और यहाँ पे ग्रेनेड बहुत अच्छा थ्रो किया गया तकाशी की जानिब से भी, बुया ले सकती है फौजी वर्सेज तकाशी के ऊपर, एक नहीं दो नहीं तीन चढ़ चुके हैं, और इसके साथ ही साथ यहां पे आगे बढ़ते दिखाई जा रहे हैं, वन डाउन लाहौरियंस पीके काफी मुश्किल सूरत हाल में, दो डाउन जेंटल पीके अकेले बचे, और यहां पर अब जेंटल के लिए मुश्किल हो सकता है। यस हियर वी गो, ईएल वॉल्फ द बेस्ट किलर एंड जेंटल पीके अपना भूया यहां पर गवाते हुए दिखाई दिए गए, और ईएल के उमर हमारे साथ बन चुके हैं एमवीपी आज के थर्ड कस्टम के। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को बता चलूं कि ये आज का लास्ट मैच रहने वाला है, और इसके साथ ही साथ एक और लकी विनर को भी चूज किया जाएगा जिसको गिव अवे दिया जाएगा। 165 लाइक्स का टारगेट है बॉयज, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करो, अपने आप को आरजीए फैम की स्पैम आनी चाहिए हमें यहाँ पे, ताकि दोबारा से एक और लकी विनर को यहाँ पे चूज किया जाए कि कौन सा लकी विनर यहाँ पे होने वाला है। लास्ट 8 लाइक्स रह चुके हैं बॉयज, लास्ट 8 लाइक्स, ईएल बुया विद 8 किल्स, पीके विद 3 किल्स ऑन सेकंड, जीएक्स ऑन थर्ड, यार क्या स्ट्रॉन्ग कमबैक किया, द किल्स दे हैव टेकन 9 किल्स के साथ टॉप 3 पे आ चुके हैं, बहुत अच्छा कमबैक था जीएक्स से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। टीएस की अगर बात करें तो 5 किल के साथ चौथे नंबर पे आ चुके हैं, शट डाउन विद 6 किल्स, यार किल्स बहुत अच्छे कर रहे थे, स्पेशली अनस ने एंड तक जो सर्वाइव किया और 2 किल निकाले वो बहुत अच्छे थे, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्लाउड 7 बैड पैच लेकिन किल्स कर रहे हैं लड़के। टर्मिनेटर की बात करें तो बैड पैच, एनसी आज नहीं परफॉर्म कर रही, हाउस ऑफ ब्लड आज नहीं परफॉर्म कर रही, डीपी आज नहीं परफॉर्म कर रही, मॉन्स्टर किंग भी आज नहीं परफॉर्म कर रही है। आज का लास्ट मैच और आज की लास्ट नहीं बल्कि सेकेंड लकी यूआईडी जो कि हमारे साथ यहाँ पर रहने वाली है वो कौन सी होगी आप लोगों को अभी देखने को मिल जाएगी। और स्पैम भी आना स्टार्ट हो चुका है, 160 लाइक्स भी हो चुके हैं, लास्ट 5 लाइक्स रह गए बॉयज, जल्दी से जिसने अभी तक लाइव स्ट्रीम को शेयर नहीं किया शेयर करो, ताकि हम लोग किसी नेक्स्ट लकी विनर लकी सब्सक्राइबर को यहां पर गिव अवे दे। बॉयज 165 लाइक्स,
Markhor FF, welcome on the live stream. Lare, welcome on the live stream. Just Gaming, welcome on the live stream. Mr. Shafi, Zamin, ये सारे जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये giveaway में participate कर चुके हैं. Misam, Just Gaming, Shafi, Tapatap, Lare, Misam, Buddy, Mr. Shafi, Shayaz, Shehzada. हेलो विनन भी आ चुके हैं. ओके बॉयज काउंटडाउन देंगे 165 लाइक जल्दी से बॉयज. चलो काउंटडाउन देते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड द लकी विनर इज ओके बॉयज द लकी विनर इज BTS आर्मी गर्ल. द सेकंड लकी विनर इज BTS आर्मी गर्ल. भाई ये तुम्हारा अपना मॉडरेटर नीला. हाँ ये मॉडरेटर है. ड्रॉप करो यार UID ड्रॉप करो अपनी. ये लड़का है या लड़की है इसकी से कंफ्यूजन है मुझे अभी तक. ये लड़की है. अच्छा आईडी ड्रॉप करें यार. बॉयज दो और लकी यूआईडी सेलेक्ट करूंगा अभी और ये आज का लास्ट मैच है. इसके बाद एक गिव अवे भी होगा जस्ट फॉर माय लकी सब्सक्राइबर्स और एक 1v1 भी होगा मैक के साथ. 1 वर्सेस 1 करना आज किसी ने मेरे साथ बताओ कमेंट करके. भाई यार 4 वर्सेस 4 करेंगे ताहा. क्या ख्याल है BTS आर्मी गर्ल के पहले पता कौन था? ये जो वो नहीं है शफी FF, पता नहीं यहाँ पे एक शफी के नाम से लड़का था. अगर वो एक सेकंड कमेंट लेट करता था तो उसका कमेंट काउंट हो जा रहा था. उस पे स्पिन आया फिर आगे गया. ये चेक करे जरा, ये विलन को चेक करे. मैं शफी. अच्छा जिसका गिव अवे निकलता ये वही बन जाता है पता है. जिसका भी गिव अवे बनता ये वही बन जाता है. सही चीजें लगा रहे हो है. सही चीजें लगा रहे हो चार पांच. चलो गाइस अगला गिव अवे टारगेट है 100 एंड कितना होना चाहिए 85 लाइक्स है ना. ज्यादा नहीं रखते. डीपी वर्सेस नो चांस अपने एक प्लेयर को गवाते हुए. ओ माय गॉड डीमन स्प्राइड भी अपने एक स्क्वाड को प्लेयर को गवा चुकी है. वलीजान बहुत अच्छा गेम प्ले और किम को मिल चुकी है एके. माय गॉड अरे क्या गेम प्ले करी है बॉय. यार क्या गेम प्ले किया यार. वली जान ने दिल खुश कर दिया. गार्डन अरे हाँ यार बड़े मजे की वीडियो थी यार. वो तो वायरल होगी मेरी वीडियो. अरे वो मुझे घर जाना है लाइव स्ट्रीम वाला.
अच्छा अबे यार वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है भाई, कि तुम हर किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था मुझे घर जाना है। अरे अरे यार किम ने आखिरी बंदा भी दे दिया। ये FFPL की टीम थोड़ी सी ढीले पड़ी हुई है यार, FFPL की यार पाकिस्तान की टॉप टीम्स आज हल्की पड़ रही है और दूसरी टीम्स अच्छा खेल रही है। किम्स की चेक करो मूवमेंट, वली जान को पता नहीं। हाँ सीन ऐसा है ना कि वो थोड़ा सा वो अंडर एस्टिमेट कर रही है टीम उसको ना, क्योंकि वो काफी हार्ड लॉबी में खेलने का जाते उनको भाई लोकल टीम का तो शायद। लेकिन अब तो पाकिस्तान का टैलेंट बहुत ऊपर जा चुका है। वही ना ब्रो, ग्रीना ने आईडी बैन कर दी विदाउट एनी रीजन, अल्लाह का वादा मैं क्या करूं। अरे यार ब्रो यार मैं आपको बताता हूं, ये एक पार्टर प्रोग्राम वाले बंदे के साथ भी हुआ था। अगर आपकी आईडी के साथ आपके दोस्त ने या किसी ऐसी डिवाइस पे जिस पे पहले हैक यूज़ हुआ हो और आप लोग मार्केट से वो ख़रीद कर लाए हो, कुछ भी किया हो इस तरह का मामला, तो आपकी आईडी जो है वो बैन हो सकती है और यहाँ पर वो आईडी रिकवर करना बहुत मुश्किल काम है, वो रिकवर नहीं करती है। मैं रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, मैंने बहुत से लड़कों की हेल्प करने के लिए फॉरवर्ड की है रिक्वेस्ट, लेकिन गरीना जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती है ये चीज़। इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता ब्रो। कैसर महमूद खटक आ चुके हैं, दोस्तों को भी मिल लिया करें। अरे यार कैसर ब्रो वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, आज कैसे गलती से हमारी लाइव स्ट्रीम पे याद आ गए। कहा पता कौन है ये? कौन ये जीटेड वाला कैसर है? आज कैसर खटक। अरे लाला वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, कैसे हो ब्रो? थैंक यू सो मच मार्क और एफएफ गेमिंग, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, थैंक यू सो मच ब्रो, बिग फैन टू यार। जस्ट गेमिंग वाईटी वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम ब्रो। चलो गाइस अभी टारगेट जल्दी से अचीव करो, उसके बाद दोबारा से एक और गेम अवे करते हैं। जल्दी जल्दी से लाइव स्ट्रीम को शेयर करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। I want 185 likes. Just gaming, Shafi FF. Love you bro. Are Saku 79, love you bro. Are wo super chat wala kidhar gaya? Kya naam tha uska? Muju. शट डाउन का मौजू था ना, वो कह रहा था। हाँ वो कह रहा था भाई अगर इतना अमीर होता तो मैं यहाँ ना बैठा होता आज। बात तो उसकी भी ठीक है। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, मेरी लाइव स्ट्रीम पर बड़े अमीर अमीर लोग आते हैं यार। यार करीम भाई मस्ती कर रहे हो, करीम भाई कह रहा जल्दी से स्ट्रीम लाइक करो लैला आ रही है। अरे करीम भाई ऐसे गुस्सा नहीं ब्रो। अरे स्पैम करना अलाउ है यार कलीम भाई, स्पैम करना अलाउ है यार। अच्छा चलें कोई बात नहीं, खैर है हो जाता, गलती हो जाती है। उसको अनहाइड कर दिया है एनी ने मेरे ख्याल से, या किसी ने अनहाइड कर दिया है। कलीम भाई जोश में होश खो बैठे हैं। कलीम भाई कहते हैं यार मैं बैठे बैठे हालात बदल दूं, जज्बात बदल दूं। अरे C7 का भी एक प्लेयर बचा है, GX पेर से दो किल्स के साथ यहाँ पे बारिश लगाई हुई है ग्लू वॉल्स की। रेंजर ने मैक्सटोन एक किल कर चुका है, शेजर एक किल कर चुका है, जुनैद जीरो किल, मॉन्स्टर किंग भी इस बार सरवाइव कर रही है विद जीरो किल, शट डाउन वंस अगेन विद 4 किल्स और टीम नंबर 10 के साथ इनका पंगा चल रहा है ब्रो। टीम नंबर 10 हमारे साथ लाहौरियन स्पीकर, और लाहौरियन स्पीकर को मेरे ख्याल से इस वक्त नीचे जो कि ये वाला है ना, ये वाला लॉन्च पैड यूज कर लेना चाहिए। मैं भी काम करें, गेम का माइक खोलने बता दे। तो बोले भाई लॉन्च पैड यूज। ओके बॉयज, हाउस ऑफ ब्लड वर्सेस यहां पर हमारे साथ फिर से एक बार दोबारा टीम्स आ चुकी हैं सामने ZP के।
रेफ्स आ चुके हैं एचओबी माउस और आरडी मैडी एचओबी हमारे साथ दोबारा से आ चुके हैं। सामने हमारे साथ टर्मिनेटर का स्क्वाड देखने को मिल रहा है और टर्मिनेटर का स्क्वाड भी तैयार है किल लेने के लिए। क्या किल ले पाएंगे? टर्मिनेटर के दो ही प्लेयर हैं और टर्मिनेटर के सरप्राइज एक तरह से फंसे हुए हैं। अगर मोइस चाहे तो ये किल बहुत आसानी से ले सकता है। अरे सलीम नसीम भाई आपको रिप्लाई नहीं करें आईडी बैन हो गया। अरे ब्रो, अरे डाउन कर दिया माउस को, मॉइस को। ओके बिल्कुल, सरप्राइज को भी डाउन कर दिया गया। रेफ एक्स हाउस ऑफ ब्लड के पास एक बहुत अच्छा चांस है। मैडी सॉरी भाई, मैं भी हालात जिस बात में इधर उधर निकल गया। ओके सरप्राइज फिर से डाउन। अरे रेफ्स भी गया। अरे इनसे एक टर्मिनेटर का बंदा नहीं मर रहा यार, मैडी अभी जिंदा है। अरे फाइनली यार, फाइनली हाउस ऑफ ब्लड के मैडी ने फाइनली किल निकाल लिया। बहुत जबरदस्त गेम प्ले बाय हाउस ऑफ ब्लड। ब्रो लव यू टू यार ब्रो, थैंक यू सो मच। लारेब गेमिंग वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम। कमांडो ब्रो वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, थैंक यू सो मच। शफी एफ वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम ब्रो। गाइस लाइक्स नहीं बढ़ा रहे यार, अभी तक 170 हुए, मुझे लगा 180 हो चुके होंगे यार अभी तक। दिस इज वेरी वेरी नॉट फेयर ब्रो। आज का लास्ट मैच है बॉयस। थैंक यू सो मच गाइस, 170 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से लाइव स्ट्रीम को शेयर करो ब्रोस। यार आजकल शेयरिंग बहुत हल्की पड़ गई है यार, कोई जाता ही नहीं है शेयर करने, बैठे रहते हैं। कहा क्या लगता है इस बार कौन सी टीम भूया करेगी? भाई इस बार तो भाई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सारी टीम, मुझे पिछली बार जो भूया हुआ है ना भाई, पहले दो मैचेस वो देखने के बाद नहीं कुछ कह सकते कौन सी टीम भूया। अरे भाई कसम तो से यार, जो भूया पी के दूसरा भूया अपना मिस किया ना, बहुत अच्छा भूया था वो। हाँ ना, अभी देखो डीमंस जो है हाउस ऑफ ब्लड का एक प्लेयर सरवाइव कर रहा है, उसके बाद आप आ जाओ C7 का आशु सरवाइव कर रहा है, डीमंस प्राइड का किमी एस कर रहा है। भाई ये एक तो इतने ओखे ओखे ना रख लेते हैं ना, कसम खुदा की। यार अगर उमर लॉन्चर डाले ना बहुत अच्छे वाला। ओ माय गॉड यार, लॉन्चर मैच गन है जो पूरी गेम को बदल देती है। यार ये कोरोना ना लगा होता तो ये प्लेयर गया था। शटडाउन को बैक ऑफ करना पड़ा है। तकाशी को बहुत अच्छा डैमेज। ये वो टीम्स हैं जो कि दोनों बहुत टक्कर का खेलती हैं। और EL हमारे साथ पिछला बुइया ले चुकी है, शट डाउन को भगाने के लिए तैयार है।
और यहां पर फिर से क्या डाउन कर पाएंगे, बेल कॉल कैप्टन को किया डाउन, ओ माय गॉड, और ग्लू वॉल से निकल चुके थे उमर जो कि काफी मुश्किल का सूरत हाल थी, बिल्कुल यहां पे बचा नहीं पाए। अब टकाशी भी डाउन हो चुके हैं, अकेले बचे हैं, और ये वो मौका था मौजू, ये रहा हमारे शट डाउन के मौजू जो कि यहाँ पे हमारे साथ जो सुपर चैट वाले थे, लेकिन ये खेल रहे कस्टम में खेल रहे, मैं भी कौन लाइव स्ट्रीम से किधर गायब हो गया। लेकिन यहाँ पे कैप्टन ने 4 किल किए, गुज्जर ने 1 किल किया और उसामा ने भी 4 किल किए, क्या गेम प्ले देखने को मिली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईएल ने भूया नहीं किया बॉयस, अस्सलाम वालेकुम ताहन मोहतशिम भाई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच कयान यासिर ब्रो, वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, मार्क फॉर गेमिंग वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, शफी एफएफ वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, विलन ब्रो वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, इंटरनेशनल एफएफ वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम, अरे क्या बात है, इंटरनेशनल फ्री फायर भी आ चुकी है भाई। शट डाउन गॉट 9 किल्स, एमके गॉट 0 किल, जीएक्स गॉट 2 किल्स, सी7 गॉट 0 किल, और सामने अब इनके पास आ चुकी है टीम, और सी7 के लिए अब हो सकती है मुश्किलात क्योंकि शेजर के झटके और स्नाइपर के मटके यहाँ पर कैस को कुछ देंगे, लेकिन अभी स्नाइपर नहीं है इसके पास, और यहाँ पे आशु को डाउन करते हुए दिखाई दिला रहे हैं, बिल्कुल काफी अच्छा डैमेज आ गया, ओह माय गॉड, हेडशॉट, रेड शॉट एंड डेड शॉट बाय ओनली वन एंड ओनली आशु, और आगे बढ़ेंगे ग्लूआ लगाते हुए, यहाँ पर क्या डाउन कर पाएंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जेएक्स का तोड़ और जेएक्स का जोड़ काफी अच्छा था, जुनेद ने काफी तगड़ा खोपड़ी तोड़ हेडशॉट के साथ यहाँ पे मामला करते हुए दिखाई दिए गए, और यहाँ पर हमारे साथ एमके जट बहुत अच्छा डैमेज दे रहे हैं, टीम शटडाउन को आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे टीम शटडाउन करते हुए दिखाई दी जा रही है सामने, ओह माय गॉड, एमके वाईटी मॉन्स्टर किंग यहाँ पर पूरे का पूरा स्क्वाड शटडाउन करते हुए दिखाई दी जा रही है, और मौजू अकेले बचे हैं, मौजू हमारी जान का टोटा, क्या कुछ कर पाएगा, नहीं कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इसके साथ ही साथ हमारी जिंदगी में आप नहीं रहे जो कि अब दोबारा जवान होकर भी नहीं आ सकते क्योंकि ये हमारे साथ लास्ट कस्टम देखने को मिल रहा था। सो बॉयज एंड गर्ल्स, इसी खुशी में लाइव स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मॉन्स्टर किंग स्क्वाड विद 4 किल्स, आरडी अकेले बचे हाउस ऑफ ब्लड से, और टीम जबाज हमारे साथ यहां पर आ चुकी है, और यहां पर बिल्कुल मैडी को मेरे ख्याल से देख लिया गया रेंजर की जानिब से, आगे बढ़ेंगे मॉन्स्टर किंग वर्सेस टीम जबाज यहां पर आ चुकी है, ये वो टीम्स है जिनकी हमेशा से पहले टक्कर देखने को मिलती है, और इसके साथ ही साथ यहां पर शेजर को काफ़ी अच्छा डैमेज जट की जानिब से, मॉन्स्टर किंग ने ग्रेट नॉट लॉन्च किया, जुनेद एक बार आगे बढ़ चुके हैं, ओके बॉयज यहाँ पे बेल कॉल, यहाँ पर एक प्लेयर डाउन कर दिया गया टीम जबाज का, साथ ही साथ यहाँ पर मॉन्स्टर किंग के भी एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया और इस टाइम पर रिवाइव कर लिया जाएगा जो कि बहुत अच्छी बात है। रेंजर आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पर ग्रेड डालने की कोशिश, बिल्कुल मॉन्स्टर किंग वाईटी को डाउन किया बहुत अच्छे, रेंजर ने अटैक किया डबल वेक्टर के साथ, यहाँ पे क्या डाउन कर पाएंगे, आगे गए और यहाँ पर किल कंफर्म करने के लिए तैयार, और यहाँ पे क्रोनो का चार्ज अच्छा, और यहाँ पे डाउन करने के लिए तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल 1 डाउन 2 डाउन बहुत अच्छा टीम जबाज की जानब से कवर अब देखने को मिला। यहाँ पे एमके गेमर फिर से डाउन हो चुके हैं और एमके वाइट अकेले बचे हैं, मैडी दोनों की फाइट का फायदा उठाते हुए दिखाई दिए जा रहे हैं, एमके वाइट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे क्या कोई किल ले पाएंगे क्योंकि मैडी के पास एक मौका है, और यहाँ पर रेंजर भी आगे बढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ पर फिर से डाउन कर दिया गया, मैडी यहाँ पर अपना मौका नहीं उठा रहे हैं, मैक्सटोन को रिवाइव नहीं किया जा रहा, और यहाँ पर मैडी को देखना होगा कि मैडी क्या एंड पे जाते हुए कुछ करेगा, बेल कॉल कपड़ी तोड़ हेडशॉट लगाया, आगे बढ़े, अब यहाँ पर मुकाबला होगा डबल वेक्टर के साथ, और यहाँ पर क्या डबल वेक्टर का मुकाबला कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके साथ साथ यह किल भी अपना कंफर्म कर लिया है, 1 vs 1 रेंजर विद द डबल वेक्टर का क्या है, जीएक्स रेंजर फिर से बुया के लिए तैयार, टीम जबाज बुया एंड यस एमवीपी चुने, बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पे देखने को मिला था, एंड द वे देवर प्लेइंग यहाँ पर अप्रिशिएट करना पड़ेगा टॉप 3 टीम्स को, हाउस ऑफ ब्लड ने बहुत अच्छा कमबैक किया, टॉप 3 में आया, उसके बाद हमारे साथ यहाँ पर सेकंड नंबर पे मॉन्स्टर किंग वाईटी का स्क्वाड जो कि एक ऑफिशियल स्ट्रीमर है कमबैक करते हुए दिखाई दिए गए, ऑन
यहाँ पर थर्ड पे आ चुके हैं विद 4 किल्स, और फर्स्ट पे हमारे साथ टीम जबाज विद 8 किल्स देखने को मिला। शट डाउन ने बहुत अच्छा गेम प्ले किया, 9 किल्स किए लेकिन टॉप 4 आ चुके थे, लेकिन नॉट बैड एट ऑल। क्लाउड 7 ने अच्छी पोजीशन ली लेकिन 0 किल, EL 0 किल, बैड पैच लेकिन टॉप 6 में आ चुके हैं। DP विद 4 किल्स बहुत आला, PK के साथ बैड पैच देखने को मिला, टर्मिनेटर के साथ 3 किल्स के साथ लेकिन 9वें नंबर पर एलिमिनेट हो चुके थे। TS विद बैड पैच, नो चांस ने 3 किल किए लेकिन ऑन 11th आज नो चांस काफी डाउन देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर आज के ये मैचेस जो है इसके साथ ये तमाम करते हैं, छुट्टी करते हैं और अभी जो है इसको करते हैं एक 1v1 भी हो जाए ना भाई। अब हम करेंगे वापस ऑन अपनी स्क्रीन, अब आ जाएगी बारी गिव अवेज की। तो भाई आर यू गाइस रेडी फॉर द गिव अवे? यार मेरे पास डायमंड खत्म हो गए यार, सर मंगवा जाते हैं हुक्म करें। नहीं यार अभी नहीं यार, कल मंगवाएंगे, कल मंगवा, कल मंगवा, कल की लाइव स्ट्रीम पे फोन करते हैं गरीना को। टेंशन नहीं, सबसे पहले घबराना नहीं है ब्रो, नहीं बस आपने मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। अरे यार चलो बॉयज जल्दी से लाइव स्ट्रीम को शेयर करो, 185 लाइक्स के ऊपर गिव अवेज की बारिश स्टार्ट हो जाएगी। चलो गाइस अगला लकी विनर, यार एक काम करो रुको, पहले मुझे UIDs दो, पहले दोनों वाली ना मुझे बारी बारी बताना, मैं इनको टॉप अप सेंड करता हूँ। है जी कहा भाई, ठीक है जी जी मैंने भेजी भी है। नहीं भेजने वाला सीन नहीं करो ना, नहीं व्हाट्सएप पे भेजी है, बताने वाला सीन करो ब्रो। हाँ ब्रो पहली UID बताओ, पहला UID विनर कौन था भला? अल्फा FF UID बताओ। हाँ 4077 269 25। यार सबसे पहले ना नारो वालियंस, एक पप्पी इधर और एक पप्पी उधर, मेरी जान के टोटे, लव यू ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू RG ऑफिशियल। अच्छा जी दोबारा बताओ, 4077 26 9 25 9 25। बिल्कुल जी SIN अल्फा हो चुका है अभी, ऐसा ही है जी बिल्कुल। चलें भाई इसको टॉप अप सेंड करना हमने जी जी। चलें भाई नंबर डाल दिया मैंने अपना। चलो भाई फ्री फायर वालों तंग मत करना, पहली बारी में ही पिन दे देना। ये रही है ग्लिच, मैंने उस दिन ना इजी पास, ओ आ गई इजी पास वालों की बड़ी मैंने इंसल्ट की उस दिन कॉल करके, भैंस की। तो मैंने कहा अभिषेक बच्चों तुम्हारे एंड पे मसला है कहते नहीं ग्रीना के एंड पे मसला है, मैंने कहा भाई मुझे बता रहे हो मैं एक ऑफिशियल स्ट्रीमर हूँ, हमें सिखा रहे हो ब्रो, वही ना भाई ऐसे तो नहीं होता ना यार। चलो गाइज ये देख लो भाई पहले लकी विनर क्यों आप लोगों के सामने स्क्रीन देखने को मिल रही है, और ये स्क्रीन पे आप लोगों को टॉप अप वेबसाइट देखने को मिल रही है, और ये लकी UID थी हमारे साथ SIN अल्फा DP की, और सक्सेसफुली इसको डायमंड सेंड हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस लिखा आ चुका है। अब हम चलेंगे अपने लेक्स लकी विनर की जानिब, और लेक्स लकी विनर हमारे साथ जो है वो है BTS आर्मी, और BTS आर्मी को हम लोग देंगे दोबारा से टॉप अप। और BTS आर्मी की UID बताओ जल्दी से ब्रो। ओके 2030 2030 319 319 309 309। चलो भाई अब मुझे जरा अपना नंबर डाल लेने दो, एक सेकंड रुको। बिल्कुल ऐसा ही है, टॉप अप करेंगे इनकी आईडी में भी। आप उसकी बात है क्लीम भाई, यार मैं ना असल में गूगल से ट्रांसलेट करके पश्तो तो बोल रहा था, मुझे मतलब नहीं पता तो नाराज नहीं होना क्लीम भाई को तंग करो भाई मैं। अरे क्लीम यार डिस्कॉर्ड पर आओ ना मड़ा, आपस की बात है घर जाना है। नहीं भाई घर में ही बैठा हूँ इस वक्त इस वक्त मैक में स्टूडियो में बैठे हैं इस वक्त मैं अपने गेमिंग हाउस में ब्रो।
यार ये जिन जिन को मैं टॉप अप सेंड कर रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी अपनी आईडी खोल के देख लें, ये देख लें भाई लकी यू आईडी नेक्स्ट विद प्रूफ। मैं दिखाता हूँ कि भाई हम लोग टॉप अप सेंड करते हैं विद प्रूफ, दिखाता हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि ये देखो भाई, ये दूसरी यू आई डी थी, भाई नाम है इसका, और इसको भी डायमंड सेंड हो गया, कांग्रेचुलेशन लिखा आ गया, ठीक है ब्रो। अब और भी लकी यू आई डी सिलेक्ट करनी है, आज हम डायमंड सेंड कर रहे हैं भाई। तो भाई रियल आप लोगों को आरजी ऑफिशियल पे गिव अवेज देखने को मिलता है, जो शुरू में एक दो लड़के बोल रहे थे कि भाई क्या बोलते हैं कि गिव अवे नहीं दे रहे मैक भाई। हाँ जी चलो भाई एक कस्टम हो जाए तहा, फिर अभी वन वी वन करना है यार, तुम जिसमें हारना पसंद करो। थ्री फिंगर से मारेगा और कहता जीत जाएंगे अब शी। को भाई शिफ्ट ही आज हुआ हूं ना, आज ही तो शिफ्ट हुआ। EPHAP वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम ब्रो, टीम कोड गिव अवे। अच्छा ठीक है, यूआईडी ड्रॉप नहीं हो रही यार, यूआईडी तो ड्रॉप करनी भी नहीं है, हम लोग आरजीए फैमिली का स्पैम करवाते हैं, और जो भी यूजर नेम सिलेक्ट होता है उसके बाद हम उसकी यूआईडी मॉडरेटर के थ्रू ले लेते हैं। अच्छा यार बंडल में से, इवेंट में से हार्ट बंडल ही आया हुआ था ना, ऐसा ही है ना, हार्ट बंडल ही एक न्यू इवेंट आया था वो भी मैंने निकाल लिया, फास्ट बाय वाला आया था वो भी निकाल लिया, और तो कोई इवेंट नहीं है ना। नहीं यार मैं कहता हूँ पूरे गरीना को लूट लिया यार, आप लोग क्या चाहते हैं, गरीना लूट लिया हमने भाई, कोई इवेंट नहीं छोड़ा भाई, फिर पता भी तो लगे ना पाकिस्तानी यूट्यूबर की आईडी है वही ना यार। भाई मैं बैजेस ऑलरेडी बाय करता हूँ ब्रो, क्या हो गया अब देखो, पहले भी नहीं, अरे नहीं यार ये बहुत गंदी और घटिया रेस है ब्रो, सॉरी खास तौर पे नहीं ब्रो, अभी नहीं, ये देखेंगे जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। सही यार, इस बार कोई क्रेट नहीं नया आया। अच्छा क्रेट नहीं यार, MP5 है टॉप अप के ऊपर, वो ब्लूप्रिंट मिल रहा है भाई मेरे पास MP5 की, तुम्हें पता है कितनी स्किन्स हैं, रुको मैं दिखाता हूँ, ये देखो लाइव स्ट्रीम में, ये देखो निकाली किसने दी, ये देखो जंगल लावा, फ्रोजन लावा, MP5 रोग लावा, तीन निकाल ली तेरे बाद मैंने भाई, दो तो मैंने निकाली थी। हेलो अबे वो एक के स्पिन मैंने करके दिए थे तुझे, वही ना मतलब जो भी है दोनों ने मिल बांट के निकाले थे यार, वो बट समझ रहे ना। चलो बॉयज लास्ट 5 लाइक रह गए, लास्ट 5 लाइक्स तहा यार, एक स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड करते यार, बना यार 1v1 नहीं करना, चल भाई वैसे ही ऐड आ जा, ऐड कर एक सेकंड, मैं रूम बन रहा है, सीजन 1 पहन के मारूं या सीजन 2 पहन के मारूं भाई, जो तो ड्रेस में मार खाने के दिल है वो पहन के आज। देख रहे हो भाइयों बदमाशी देख रहे हो लोंडे की भाई, नई स्क्रिप्ट लेके आए हो भाई, मैं ऐसी वैसी बात नहीं है, नई स्क्रिप्ट लगाई हुई है आज तो नहीं छोड़ना, आपको जो दी थी वो पुरानी हो गई है भाइयों, बताओ इसको कितनी गंदी मौत मारे भाई, पब्लिक किधर आ रही है, पब्लिक बताओ बताओ इसके साथ क्या किया जाए भाई, मैं भी इसका इधर रख जाऊंगा, मैं भी इसका इधर नहीं सॉरी, ये कमिटमेंट के खिलाफ जा रहे हो तुम, मैं पहले आप क्यों रख गया, नहीं तो आप कैरेक्टर किल नहीं होगी भाई, मैं बोलता ही नहीं हूँ, ये देखो ये गलत बात कर दी तुमने आज भाई, आप बस कह रहे हो मेरे पास भी तो नहीं चाहिए ना, ये तो गलत यार गलत बात कर दी ना तहा, तुमने गलत बात कर दी जान के टोटे, नहीं ना ऐसे तो नहीं होता, देखिए अब मैं आपको डैमेज दूँ आज के, तुम 1 HP से आप रह जाए और ऊपर से आप लाइफ बढ़ती रहे आपके फायदा
तो हाँ ये तुमने प्रो नेस खत्म कर दी जिगर जो तुम्हारे अंदर पाई जाती थी आज। चलो यार ठीक है ले आज काइलर मैं लोग से खेलूंगा यार। और बता खुश है भाई? खुश की बात ही नहीं है ब्रो। बात है इधर प्लेयर प्लेयर होने की। बैक पे काम करें अब। काम तो मैं कोई भी नहीं करता हूँ वेला हूँ। नहीं वो पोनी पहने जो भी आपने निकाली है लाइव स्ट्रीम के अंदर वो हेडशॉट तुम चिपको मुझे है। बहुत तेज है बहुत तेज है भाई। ये स्कीम किसने बताई आपको ये बताया ना जरा। नहीं हमने कोई कच्ची गोटियां खेली हैं। ऐड करो ऐड करो ब्रो। इमुलेटर नो अगर ना ना किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा यार। वो जिसने बनाया उसने किया होगा आई होप सो। ना भी ये हो तो आईडी पास दूंगा ऐड करवा दूंगा। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है भाई पाकिस्तान। बॉयज बताओ आज इसको कितने राउंड के बाद हराऊं बताओ यार। इसको एक राउंड दूं दो राउंड दूं तीन राउंड दूं चार राउंड दूं बताओ। आ जाए आ जाए आ जाए। अबे यार वो इमुलेटर घटिया इशू। व्हाट्सएप पे आईडी पासवर्ड दो। ओके ओके बाय। ये ले भाई दिया कॉपी पेस्ट मारे। अबे यार भैंस के तो मार रेडी तू 200 पे बड़ी मुश्किल मेरे साथ खेल पाता है। भाई मेरा रिकॉर्ड है 500 पे आज तक मुझे को पीसी ले भी नहीं रहा था। हैं ना क्या बात है यार ताहा तू तो अल्ट्रा प्रो मैक्स निकला ब्रो। बस क्या कह रहा क्या बात है ब्रो क्या बात है ब्रो। तो गाइज आप लोगों को बताता चलूं गुड न्यूज ये है भाई ये कितने सो गया है। अभी स्टार्ट ना करवाना। हाँ हाँ ठीक है अच्छा जी रुको। अच्छा पब्लिक कह रही है कि आरजीओपी तो भाई जी मैं भी हूं बैक बेबी है आरजे कौन सा वाला ओपी कहा जी असल आरजे मैं ही हूं भाई। तो फिर राए राए राए। पब्लिक को कभी खफा नहीं करते हम पता ऐसे तो नहीं होता है। भाई आरजे मैं भी हूं स्टार्ट करवाऊं। हां अपने वो तो डाल दें ग्रीन हाइड की भी आपने। ओहो बताया नहीं तूने। ओके मैक भाई अभी बताया ना सर देखा तो बता दिया। बॉयज लाइव स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको भाई। इसी बात पे 200 लाइक कर दो मैं ताहा को हरा दूंगा। अगर 200 लाइक ना किए तो मैं हाइस से हार जाऊंगा। ये गलत बात है यार। अब बताओ मेरी इज्जत प्यारी है या फिर ताहा की इज्जत प्यारी है। अगर मेरी इज्जत प्यारी है तो भाई 200 लाइक जल्दी से पूरे कर दो। इसे कहते हैं ब्रो प्रो टिप। यार ये तो गलत बात 200 लाइक वैसे ही पूरा हो जाना आपका मुझे पता है। अरे लाजमी तो नहीं है कि सारे मेरी लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और लाइक करवाएं। वैसे एक बात बताऊं भाई बड़ी अच्छी पब्लिक है आपके पास टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आपने कब अभी मारी ना ठीक है मैं सेटिंग कर रहा हूं। हां सही है कर ले रेडी हो बता दे। बताऊंगा बताऊंगा कहा। मेरे ख्याल से सेटिंग ना थोड़ी खराब हुई हुई है। चलो लेकिन खैर खेलते हैं। मेरा पूरा कैसे मैचडी खराब हुआ ग्लू नहीं लगी मेरे। चलो आ जाओ और भाई साहब
ये चेक करो इनको। अबे क्या भैंस की दुम मारा है यार। एक तो स्काइलर ले गया। अरे भाई स्काइलर कसम से यूज नहीं हुआ, कसम से तुझे तीन शॉट बड़े गंदे पड़े, ये बात मान। यार बात वो नहीं है, बात वही है जिगर। यार असल में मेरे कस्टमर एचडी चेंज है ना, तो ग्लूज लग रही मेरे से अभी। अच्छा सुन रहे भाईयो भानने के। यार मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूं आपको लेकिन अभी जिस तक खेल रहा था जिस तक था जमीन आसमान का फर्क है यू नो बस एक हफ्ते की बात है भाई, फिर एक साइड पे मैं आऊंगा और सामने आप और आपके साथ आपकी पूरी टीम होगी और सोलो भी स्क्वाड करूंगा मैं, टेंशन नहीं लेके। सुन रहे हो भाई इसकी बात है, ये कभी कभी रात को नशा भी कर लेता है, घबराना नहीं है। अब ना कहीं के ग्लू वॉल यूज किया क्योंकि ग्लू वॉल के बगैर मारा तुझे भाई, चीटिंग है ये चीटिंग। मैं कॉपी इन द चैट हो गया भाई, लाइक भी करना साथ में भाई, मैं रिपोर्ट करूंगा। यार सीट लिटरली ग्लू वॉल लग रही मेरे से भाई, अभी तो बहुत कुछ नहीं लगेगा। आप चाहते हैं कि मैं पुराने कस्टमर चीटी में वापस आ जाऊं? नहीं ब्रो, मैं चाहता हूं तू थ्री फिंगर प्लेयर बने। फिर सही है, क्योंकि मैं वापस आ गया तो फिर यहीं से साथ दो जने। अब इतनी भी जान ना छोड़, अगर यकीन है तो फिर आ जा। फर्स्ट ब्लड की तो मारना ही पड़ेगा मुझे। ये ऐसे भी, ये ब्रो ये मैक की स्पीड बहुत एक्टिव हो गया असल में, अब वो दौर गया। एक सेकेंड ये अभी मैं देखता हूँ ना जरा, एक सेकेंड तो थोड़ा सा ओके। ओके आज मैग भी अब यार ये क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया था हाथ आज। बात तो सही है ना, तुमने कस्टमर स्पीड चेंज है, मुझे पता था मैं आज हार जाना, लेकिन भाई ये इतनी गंदी भी बहुत नहीं बनूंगा। अबे यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार, दिल पे नहीं लेना। भाई मैंने दिल पे ले लिया, बस अब गया अब। अरे भाई साहब यार मजाक कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लगता ना तीन राउंड जीत जो इस तरह सारे 7-0 से हैं जी। सही है यार, अच्छा लगता है, मैं ताहा तुझे इतना बुरा हरा हूं। खुद बता यार, बोला था भाई मैं वापस टू फिंगर पे आके रंदा हो जाएगा। चलो यार कोई बात नहीं, मैं घबराना नहीं है, सबसे पहले तुमने गाइस आप लोगों ने घबराना नहीं है, अभी हम इसको दिखाएंगे हलवे और जलवे। इसे कहते हैं ब्रो हेडशॉट, रेड शॉट एंड दैट इज ओनली मैक्स शॉट। ओफ ताहा एक बार सोच के कितने गंदे हेडशॉट पड़े हैं। ताहा सोच कैसा लग रहा है सोचने के बाद भाई, ये काम उल्टा भी हो सकता है अगर ये हिसाब उल्टा हो जाए फिर। अबे यार तू तो प्रो है, मैं तो तुझे मान रहा हूँ, लेकिन मसला ये कि तू नहीं मान रहा, हम तो मान रहे हैं। हमने तो बोला कि भाई तू सोलो चैंपियन है। भाई मैं मानता हूँ तू सोलो चैंपियन है, मैंने कब इनकार किया, मसला ये है कि तू नहीं मान रहा। क्या मानूं, क्या मानूं यार, क्या मैं फर्स्ट ब्लड। ये प्रैंक हो रहा मेरे साथ, कहां कोई यार ये प्रैंक हो रहा, कहां कोई बात नहीं यार, ये क्या है यार। असल में मैं बताऊं आपको, असल में सीन क्या चल रहा है बैक साइड में। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है कि मैक भाई इतने कमाल के हेडशॉट कैसे चिपका रहे हैं, ओनली रेड शॉट डेड शॉट। ताहा जो कि एक सोलो मोबाइल चैंपियनशिप का लेजेंड है पाकिस्तान में, भाई इसके साथ सोलो मोबाइल भाई जो भी खेलता है वो इससे हार जाता है, काफी एक अच्छा प्लेयर है।
लेकिन द थिंग इज यू नो गुरु हमेशा गुरु होता है, उसको राज पता होते हैं, तो हमें कुछ राज पता है। नहीं 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 हमें हमें कुछ, अबे मेरा इंटरनेट फारिग हो गया, मेरा इंटरनेट फारिग हो गया। मजे मजे बने का नहीं ब्रो। अबे पीछे जाना। बहुत तेज हो रहा है। अबे ये हेडशॉट मैंने मारा, मर मैं गया। हाउ कुड इट पॉसिबल विद जस्ट 4 HP बॉयज। This is the power of one tap. Oh my god! I'm 10 OP बोलते। Oh भाई 4 HP से लोंडा जीत गया, 4 HP से। I'm 10 OP बोलते shotgun। भाई M10 का चक्कर नहीं है, मैंने खुद राउंड दिया। हेलो हेलो एक मिनट क्या? भाई RG public in the chat हो जाए, guys 190 likes हो गए हैं भाई यार। कुछ करो भाई, एक दो दो 200 लाइक का डिमांड है ब्रो पब्लिक का यार। 200 लाइक्स नहीं करोगे तो जान के टोटो मेरे हेडशॉट लगना रुक जाएंगे यार। मेरे हेडशॉट की खातिर कुछ करो। लगता है पब्लिक आपको हराना चाहती है। ये तो गलत है यार, इसमें क्या गलत है भाई? भाई ये तो होगा। चलो भाई ओवर कॉन्फिडेंस वाला राउंड बनाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस वाला। अब भाई ये अनलिमिटेड एमो क्या हो गया? भाई टेंशन ले ली, यू नो हम 6 राउंड दे देते हैं सामने वाले को, फिर उसके बाद हम कमबैक करते हैं ओपी वाला। किधर आना है? किधर है मैक? नीचे यार, मैक भाई मैदान भूल गए यार, लड़ाई वाला मैदान है जंग। चल भाई आ जा, यही से अगर आप पैच शॉट मार देते कितना मजा आता। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये तो मेरे जान के दुश्मन बन गए यार। ब्रो भाई ओनली रेड शॉट, ओनली डेड शॉट बाय मैक। अबे अबे मैं जिंदा था लेकिन मैं मर गया। मैं जिंदा था, मैं मर गया। अबे मतलब मुझे ऐसा शो हुआ कि मैं जिंदा ही था लेकिन मैं डाउन हो गया, ऐसा भी होता है? ऐसा नहीं, क्यों, क्या गाना था यार, मुझे याद नहीं आ रहा बड़े मजे का। हम तो सनम दुनिया, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉयज, कीप शेयरिंग लाइव स्ट्रीम। अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो मैक वर्सेस तहा का कस्टम तो भाई बने रहो हमारे साथ लाइव स्ट्रीम को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। और आप लोग देख रहे हो कि भाई मैं बोर्न टू किल हूं और ये वेंसेंसो बना हुआ है इस टाइम पे, और भाई जान अन्नी पाई हुई है। ओ यार मैं नहीं बोलता यार, मैं नहीं बोलता। कहा ये ओवर कॉन्फिडेंस वाला सीन हुआ है, वाकई मेरी कसम खुदा की नियत नहीं थी तुझे मारने की। भाई मैं नहीं बोलता भाई, खुद ही हेडशॉट लग गया, मैं तो घूम रहा था कसम से।
ये मैं कब सुबह बताऊं तारू का मेरा हाथ एक बार सेट हो गया। तो पब्लिक क्या बोलती है? ओपी बोलती पब्लिक। बैठ जो यार। ये देखो कितना स्मैक्सी किस्म का इमोट है आपकी स्क्रीन के सामने। 7 kills। लेकिन यार तहा ने भी बहुत अच्छा खेला आज। इसका कस्टम मैच्योरिटी चेंज था तो उसके पूरे पूरे फायदे मैंने उठाए हैं। भाई बाकी सब छोड़ो, चलो मानता हूँ ये अच्छा प्लेयर है। हेडशॉट कैसे थे आज? बाकी सब छोड़ो भाई, तू क्या मैं तेरा गम समझ सकता हूँ यार, मैं तेरा गम समझ सकता हूँ। चलो गाइस एक और कस्टम खेलते हैं आज। 4v4 होगा और उसके साथ ही साथ उस कस्टम का भी गिव अवे होगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने गैस करना है कि हु इज़ द लकी विनर, ठीक है, या कौन सबसे ज़्यादा किल्स करेगा, हम लोग उसको देंगे सीन पार्ट। अच्छा गाइस कमेंट करो, एक सेकंड रुको, कमेंट करो कि मेरे साथ क्लैश कोड खेलना है टीम कोड के साथ या फिर 4v4 कस्टम खेलना है। वोटिंग कर लेते हैं जल्दी से, आप लोग स्पैम करके बता दो। Obviously. नहीं नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि अगर टीम कोड खेला तो मैं 2 टीम कोड दूंगा और अगर कस्टम खेला तो मैं एक ही कस्टम खेलूंगा। गाइस अगर कस्टम खेलना है तो एक कस्टम होगा और अगर टीम कोड के साथ खेलोगे तो 2 दफा टीम कोड दूंगा। गुड नाइट। अरे कमांडो यार इतनी जल्दी सोने जा रहे हैं यार, अभी तो 10 बजे यार। चलो गाइस मैं काउंटडाउन दे रहा हूँ, स्पैम जिसका ज्यादा आएगा वही होगा। 10 भाई मैं भी स्पैम करूंगा। नहीं तुम नहीं करो। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and the winner is custom. भाई मैं आपकी टीम में। चलो भाई कस्टम कौन बना रहा है? आप ना ही समझू फिर मैं। मैक भाई आई नीड 400 डायमंड्स टॉप अप, प्लीज गिव मी 400 टॉप अप। शावेज ब्रो अगर आपको टॉप अप चाहिए ज्यादा का 500 का तो आप लोग वीकेंड की स्ट्रीम्स मेरी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें 500 का टॉप अप होता है। करेक्टर ले लो, कुछ भी ले लो, वीकली बेसिस डेली बेसिस पे जो हम लोग कर रहे होते हैं। अरे आ गया स्पॉन्सर, आ गया रूम का। फवाद की मैसेज आया कि मैं बनाऊंगा, क्या बात है फवाद भाई, कंफर्म जन्नती हो ब्रो तुम, कंफर्म जन्नती हो। पहले मुझे ऐड कर ले भाई, ये ले आईडी, जल्दी से आ जाओ फवाद। लव फ्रॉम टीम MXRG, थैंक यू सो मच मेरी जान के टोटे। फवाद ब्रो मैंने आपको यूआईडी भेजी है तहा 87 के नाम से, मुझे रिक्वेस्ट सेंड करो और अपना नेम बताओ क्या नेम। बॉयज मेक इट पॉसिबल 200 लाइक क्रॉस कर दो यार आज, जल्दी से जान के टोटो मोड़ा, जल्दी करना मोड़ा। यार मैं तो कर रहा था टीम कोड कर ले, मैं तो था टीम कोड कर लेते, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं भाई, पब्लिक डिमांड है। शावेज भाई अभी हमें उस तरह से सुपर चैट नहीं आने शुरू हुई यार पाकिस्तान में। 400 क्या 1 लाख रुपए भी कर दूं मैं इस तरह तो गिव अवे, अभी पाकिस्तानी थोड़े गरीब हैं। काश गरीना हमें ये चीज की परमिशन दे दे कि हम लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट डायमंड्स डाल सके। ये अभी ऑप्शन पाकिस्तान में नहीं आई लेकिन इंडिया में है मेरे ख्याल से, क्या आप अपनी मर्जी से किसी के अकाउंट में कुछ भी डायमंड डाल सकते हो, ठीक है। सो वो तो इधर भी है इजी पैसा से, लेकिन
यानी क्या सीन है, कस्टम ही हो जाए? हाँ हाँ बनाए। अबे वो उसको ऐड तो कर फवाद को यार, उसने रिक्वेस्ट नहीं भेजी। बोट तू ट्रेनिंग पे है, तुझे का घंटा बाहर आया यार, क्या बोट है यार तू तो। भाई मैं ट्रेनिंग कर रहा था ना, तूने समझ रहे हो, हारने के बाद भी ट्रेनिंग। यार तेरी टीम में मैं हूँ यार, टेंशन मत ले, तेरी टीम में मैं हूँ यार। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यू नो, ऐड करने भाई ऐड कर लें। तो मुझे रिक्वेस्ट भेजी किसी की, यूडी शादी का आपको क्या नाम है इसका, फवाद भाई आपका नाम क्या है? यूडी सादी का तो वो तो मेरे पास भी ऐड है। यो तो अपना नेम बता दो मुझे, रिक्वेस्ट भेजो गाइस। आपने बताना है कि कौन सबसे ज्यादा किल करेगा। सादिक तुम कस्टम बना रहे हो? ये नहीं बना रहा, इसने मुझे रिक्वेस्ट किया है, मुझे रिक्वेस्ट भेजी नहीं। टीएनटी फवाद ब्रो मुझे रिक्वेस्ट भेजो। अबे उसको यूआईडी तो देना, दिया ना इतनी बार ड्रॉप कर भाई। थैंक यू सो मच फॉर द कॉर्निटो यार, स्पॉन्सर हुई है अभी कॉर्निटो। कॉर्निटो हाँ, किस किस को खानी है? आजो अकेले अकेले खा रहे हैं। नहीं भाई अकेला नहीं खा रहा हूँ, तुम सब के साथ खा रहा हूँ। ये गलत है भाई, मैं नहीं बोलता। हाय ब्रो कैसे हो, आई लव यू ब्रो। ओके कस्ट आ गई है ब्रो, जल्दी से रूम बनाओ आप। फवाद ब्रो आ गए जी, हमारा रूम का स्पॉन्सर। कैसे हो बॉय? फवाद कैसे हो मेरी जान? अरे माइक ओपन करो ना जाने मान। आपका ऑफ होगा नहीं, आप कौन है? बना हूँ कस्टम, बनाओ बनाओ। रूल्स पता है ना? ओके मेरी जान लव यू ब्रो। ताहा इसको उस तरफ कर दें ठीक है, और आईडी पासवर्ड लाइव स्ट्रीम पे दे देंगे ठीक है। उसे ना उसे मैसेज करके मुझे पर्सनल में चैट में लास्ट उधर के मैसेज आईडी पासवर्ड कर दे ठीक है, और उसे मैसेज कर इमुलेटर नो करे। वजीता एफएफ वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम ब्रो। बैग पे यार क्या ड्रेसिंग की है यार, को मजे का बाल चल पाने चस नहीं आ रही यार। अब सेट है के साथ किस, हाँ साथ किसको रखना है? विलन को ऐड कर लूँ, हमारा स्क्वाड पूरा हो जाएगा। क्या कहते हैं ये रैंडम बंदे को स्क्वाड में ऐड करना है? यार सीजी वाईटी को खिलाओ यार, आज तक सीजी वाईटी को नहीं खिलाया यार। अच्छा आईडी पास आ गया, आ जाए मैं आपको ऐड करता हूँ। ओके भाई कोई भी ज्वाइन कर सकता है कस्टम, मैं आईडी पासवर्ड लाइव स्ट्रीम में दूंगा। पहले जो लकी चार लोग आएंगे वही खेलेंगे हमारे साथ। ताहा पता है क्या करना है? कस्टम की सेटिंग चेक कर पहले यार, मैं इसको तो पासवर्ड नहीं बता रहा। थैंक यू, अरे इसने आईडी गलत दिया यार। सीएस का कस्टम होगा, सीएस का।
बता दे मेरी जान के कुत्ते। ये लो जाने मन। ओके इसी में डालो ना तुम अपना सारा गंद। क्या बात है, नीचे गिर रही है देखो। मुझे क्या है ना ऐसे मैं देख रहा भाई नीचे से क्या गिर रहा है। अरे बैग भाई प्लीज कम फास्ट। आईडी पासवर्ड आ गया। अरे वो हमारे स्क्वाड में खेलेगा सामने खेलेगा। हाँ आ गया, उसको सामने करो जाने मान। नहीं तुम्हारा इंटरनेट ठीक है या हम किसी और को ऐड करें? और रुको रुको इधर आओ जानू, एक मिनट रुको ना। भाई आज आज थोड़ी वो मिला आइसक्रीम खा लेता हूँ। क्या बोल रहे हैं? सॉरी ब्रो आइसक्रीम खा रहा था। अच्छा जल्दी है ना, ग्रुप तो लीव कर दे। कम फास्ट कम माय साइट रीच। अच्छा अब एक काम करो, किसी को भी ऐड नहीं करो। चौथा हमारी गिल्ड का बंदा है विलेन, उसको ला दे। यार रैंडम आने दे, मैं तो कहता हूँ तेरे ठीक है रैंडम आने दे, कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 200 लाइक्स। शफी एफएफ कह रहे गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान जो जल्दी सोते हैं। चलो गाइस पासवर्ड दे दूं, रेडियो तो डन लिख दो। अरे ये बॉन्टो किल कहाँ से आ गया? किक कर दो सको। गाइस पासवर्ड बता दूं, आईडी नोट कर लिया सबने? अरे ये हमारे साइड आ गया यार, तो किक करो भाई। ये लो अबे ऐसे को, इसने पासवर्ड पता है क्या रखा हुआ है? इसने पासवर्ड बहुत सस्ता रखा हुआ है। इसे को पासवर्ड कुछ मुश्किल रखो और सबको किक कर दो आरजीए के अलावा। वो मुझे कह रहे हैं एक और बंदा ऐड करो। प्याज कितना तहा, उसे पीएम में बात कर, इधर बात ना कर, वो इधर ही चैट में दे देगा पासवर्ड। उसे को मुझे पर्सनल में दे दो। अरे बेवकूफ सस्ते सस्ते पासवर्ड रख रहा है, 6677 पासवर्ड रख रहा है यार, कोई डालता है? उसे कह पीएम में दे यार। हाँ कर दिया। उसे को पासवर्ड चेंज कर। पासवर्ड उसने रख दिया, मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करता हूं या मैं टाइम कर देता हूं आपको। मुश्किल है इस बार या आसान है भाई? ये मुश्किल है। मुश्किल रखा है? 3 डिजिट है। 3 डिजिट है? हां। 77 तो नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा यार मेरे पे यकीन नहीं आपको यार, क्या? अबे यार उसने चैट में 77 बोला है ना, इसलिए बोल रहा हूं। नहीं मैंने चेंज करवा दिया था। ओके ओके स्पैम करना बताना, मैं इधर लिख के रख दिया। अबे ये फवाद इधर किधर आ गया? अबे इसे क्या, तू तो चल जा। अरे आप उधर जाओ यार। अच्छा इसको इसको माशाड़ी कह रहे थे यार, सामने हो रहा है। अबे मैं चाह रहा हूँ। अच्छा चलो उसे को आ जाओ हमारी तरफ, उसे को आ जाओ। बस ठीक है, वो स्ट्रीम देख रहा है साथ से इसलिए। ओके बॉयज पासवर्ड स्पैम कर रहा हूँ। 10 9 8 7 6 काउंटडाउन दे दो यार, मेरे साथ काउंटडाउन दे दो बॉयज, काउंटडाउन दे दो। पासवर्ड चाहिए तो काउंटडाउन बनता है बॉयज।
काउंटडाउन बनता है पासवर्ड का। रुको हम एक भी दे दूं? नहीं नहीं काउंटडाउन देने दो। ओके 5 4 3 2 1 स्पैम कर दो। और स्पेक्टेट पे जीरो करो सको। अरे सदीक ने बहुत मैसेजेस मैचेस खेले हमारे साथ यार। अरे कहने दे स्टार्ट करवा दो फिर। ओए गया एक गया। अबे आ जाओ यार एक बंदे की जगह। अबे वो लीव क्यों कर गया? वो टीम देखा होगा आप। अरे कोई मसला नहीं था यार बैठे रहते जाने मान। यार ये तो बड़ी अच्छी लिस्ट आ गई है यार। यार मैं आपके साथ हूँ। चलो चलो इसको स्टार्ट करें। किसने की किया तुम्हें? तुम सदीक बात कर रहे हो? सदीक आप हो ये जस्ट गेमिंग बनी गेमर कह रहे सॉरी एक्टिव ना रहने के लिए। हाय प्रैक्टिकल रोस्टिंग वेलकम ऑन द लाइव स्ट्रीम। अरे वजीता तुम भी आ गए हो यार। अबे मुझे किसी ने वो ले लिया। अरे मुझे पहले बताते कि तुम लेके दोगे यार। मैंने दिया। अबे मुझे पहले बताते तो मैं गन लेता ना। तो आपने क्या रहता है ठीक है ले लिया। हाँ वो ले ले साथ ये ना मेरी पिंक की जा रही है। मैं एक बार गेम में आ जाए ये थॉट में जा रहा हूँ मेरी पिंक आ गई भैया। ओके ओके गेम में आ जाए। अबे यार इस तरह फौरन फौरन नहीं डाउन होना। अबे उसने तो सारा कुछ ऑफ किया हुआ है। यही तो मसला है। अबे पीछे से आ गया बॉट। ये ना तुम लोग क्या कर रहे हो यार? ओ यार मैं बंदे को मारने के लिए गया हूं पैक वो फाजी को दोनों डबल किल। भाई घबराना नहीं है यार टेंशन नहीं लेनी यार बेटा ये सब डस्टबिन में जाने दिया। अरे टीम वर्क करो ना यार। कहा डिस्कॉर्ड बंद किया? क्या डिस्कॉर्ड बंद किया? आवाज बहुत गंदी आ रही है। वो डिस्कॉर्ड से माइक ऑफ कर देंगे। अभी ठीक है? ये डैमेज आई येलो वाला। फर्स्ट ब्लड। भाई थ्री फिंगर ऑफ ही बोलते हैं।
Any good comeback? मजा आ रहा है क्या? हेड पड़े मैं भी माइक डिस्कार्ड करने था. NCS Churchy, welcome on the live stream. Boys, I want 230 likes ka target hai, boys. Abhi voice theek hai? Kam aa rahi hai, lekin theek hai. Bunny, welcome on the live stream. Aur ye jo bhi mere sath custom mein join kar chuke hain yaar, love you bros. You guys are the lucky winners to play with me. यार अगले महीने वी बैच लग रहा है यार. पता है मैं ट्रीट लेने आ रहा हूँ भाई. कहाँ वो राइट साइड से फ्लैंक कर रहा है. आज मेरी दूर लग रही है. एक सेकंड तेज कर रहा है. वन डाउन. अबे यार दो बंदे. कहाँ अकेले ना खेल यार. दो बंदे थे. अबे पीछे से बंदा मुझे मार रहा है. तुम लोग क्या घंटा कवर दे रहे हो यार. यार बड़ा हूँ यार. ये मोड नहीं मार रहा. ये कौन है यार. अबे यार गलती कर दी यार. अब ये मोट मार रहा. क्या करना. बंदा मारू कोई ना. बहुत आला. नहीं तो एनी यू कैन डू इट. गई भी कर ली. मुश्किल है. डबल किल. वेल यार थोड़ी सी अगर मूवमेंट से आपके शेल मार ले मतलब. यार असल में ना वो जोन बहुत तेज है. ये बहुत गंदा डैमेज देता है. हाँ ये भी है. ओके गाइस अभी एक और गिव अवे पेंडिंग है. यार मुझे कुछ और मेरे सौ का तो मशरूम के पैसे भी नहीं है ब्रो. गरीब हो गया. कोई बात नहीं. हेलो मेरी आवाज आ रही है. जी मेरी जान कैसे हो. आ रही है ब्रो. आ रही है. अभी देखना मेरा क्वाडेरो किल. इनको एंगेज करना. डाउन मत होना. अबे यार यार कवर कितने बंदा डाउन है. साथ रो साथ रो. एक साथ रो. सारे इधर आ जाओ. कवर देना मुझे थोड़ा सा. आखिरी गोली. आखिरी गोली. बिल्कुल आखिरी गोली. यानी बहुत आला. 360 360. जल्दी 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 जल्दी. और ग्लू वॉल खोल देना. जल्दी से ग्लू वॉल खोल दो. ग्लू वॉल. डबल किल. डबल किल. मेरे साथ रहो. पीछे से आ रहा है. ट्रिपल किल. बहुत आला. ये होता है टीम वर्क ब्रो. अरे सादिक ब्रो यार इस तरह से स्पैम नहीं करो यार. तुम तो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हो यार. क्या स्पैम कर रहे हो ब्रो. तुम्हें मैं दोबारा खिला लूंगा. तुम तो मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी हो. एक और कस्टम बना लेंगे यार. टेंशन नहीं लेना यार.
जान के टूटे। रेगुलर कस्टम खेलता हूँ यार अपने सब्सक्राइबर्स के साथ मैं तो। तू तो मेरा पुराना सब्सक्राइबर है यार। और पीछे से आया, पीछे से आया। आओ एनी नीचे वाले को मारे। फर्स्ट ब्लड। यार ये येलो चड्डी वाला वापस आ गया मेरे सामने। इसको मैंने इमोट पता है क्यों किया, ताकि उसको पता हो कि यार इमोट कोई भी कर सकता है। यार YouTube से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो अपलोड कर दूंगा, टेंशन नहीं लो। यार बनी भाई क्यों स्पैम कर रहे हो यार। वॉइस ये लो मेरी जान, मैं दे रहा हूँ दे रहा हूँ। पूरा कर दिया था। हाँ NCS Jersey bro, welcome on the live stream. Thank you so much. Boys, जल्दी जल्दी से 100 likes और 250 likes complete करवा दो यार। 210 likes हो चुके हैं। अबे यार ये custom का glitch कसम से बहुत बुरा लगता है। क्या ये चारों बंदे मेरे पास हैं? इधर आओ यानी बैक करो बैक करो बैक करो। यार मैं तो मुझे रिवाइव दे देते यार, दे सकते थे मैं तो। अबे ये कहां से मार गया यानी 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 अबे यार, अरे मुझे क्या पता था कि
अबे अनी, अरे नीचे से तो बंद करो यार। लव यू ऑल यार, थैंक यू सो मच यार ज्वाइन करने के लिए। लाइव स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर भाई। इस बंदे की गेम को देख के मुझे मलिक भाई याद आ गया, फुल सप्रे उतार रहा हूं। कौन ये? यो तो फनी मलिक भाई कितना पूरे पूरे सप्रे उतार रहा है। यार वो लड़की वाले बंडल को मैंने डाउन करना ना किया, वो बस छोटी सी गलती हुई है मुझसे। येलो शर्ट वाला बोल डाल दे एक मिनट, देख के अभी आखिरी बंदा यार। अबे यार घुस जो अंदर घुस जो। पूरे कस्टम ऐसे ही। अबे उसने मेरा बंदा ही रिवाइव कर दिया था। हाँ राइट में बंदा फवाद। बहुत आला। टीम वर्क। अबे यार क्या किया यार, डैमेज है। अबे यार ये क्या बकवास है। अबे तुझे फंसना नहीं चाहिए था ना जाने मन। यार मैं उसको डैमेज देना बता के बाद मिलना है आपसे। कल मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ मुनीब। अरे ब्रो मैं ऐसे तो नहीं मिल सकता हूँ आपसे भाई, हम बड़े महंगे ऐसे नहीं मिलते। अरे नहीं यार ब्रो, किसी मीटअप में या किसी चीज़ में आपको आना पड़ेगा ना। ऐसे तो मेरी कल की एंगेजमेंट है तो मुझे उधर जाना होगा, डेफिनेटली सी बात है। यार एक साथ रो यार, भैंस की तुम क्या बोट है यार। रख भी देना यार। यार ताहा क्या कर रहा है यार, जब तक मैं चल रहा था तू भी चल रहा था। यार मैं इधर मार रहा हूँ ना, बात रहे कि मैं मारूंगा ना, कुछ नहीं हो रहा। कवर में जानमन तुम्हें बचा लूंगा, सबसे पहले तुमने घबराना नहीं है ब्रो।
मैक भाई आपकी एंगेजमेंट है? हाँ ब्रो कल मेरी एंगेजमेंट है। बड़े लोगों की शादी का बाद में पता लगता है कि इनकी शादी हो गया। ये तो गलत बात है, ऐसे तो नहीं होता भाई। आप गलती ना करना। यार 10 किल है मेरे, आज कैसी बात कर रहे हैं आप। आई डोंट वांट किल्स ब्रो। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? विक्ट्री। अबे ये क्या बदतमीजी हुई मेरे साथ। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ग्लूवाल के बगैर क्यों रोटेशन ले रहा है यार? बात नहीं बैठा हुआ मसला ये है। ग्लू वॉल को बोलगा नहीं सकता, तेजी में लगी ग्लू। अबे ये क्या किया बॉट? यार ग्लू नहीं लग रही ना, हाथ नहीं बैठा हुआ। गलत किया ब्रो, तू कभी भी सेंटर से फ्लैंक नहीं करते रोटेशन के साथ। ओहो मैं ये नहीं कह रहा, कह रहा हूँ ग्लू लगानी थी, लग ही नहीं रही यार वो, सब हाथ नहीं बैठा। कभी कभी लग सकती है वो, हाथ उंगली नहीं टच होती वहाँ पे। तो यार क्या एक राउंड जीत के एक राउंड हार रहे हो यार, टेंशन में नहीं यार। बॉयज और मेरी ग्लू वॉल। बॉयज जो भी ज्वाइन कर रहे हो यार लाइव स्ट्रीम को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। तो यार फिर गई ग्लू वॉल। अबे यार आज जो मेरे साथ कौन था यार, एनी फायदा उसको हेडशॉट मारने का मेरे। ये ग्रीन वाला, ग्रीन ब्लू वाल के पीछे बंदा है, ग्रीन ब्लू वाल के पीछे। हाँ हाँ इधर बंदा है फवाद, इधर बंदा तुम्हारे पीछे। अरे ग्रीन ब्लू वाल यार क्या कर रहे हो? कहा तू बोट है कसम खुदा के सबसे बड़ा। तो यार मैं बता तो रहा हूँ मेरा कस्टम एचओडी चेंज है। अबे कस्टम एचओडी समथिंग एल्स यार, तो क्या चाहते हैं? बोट की तरह मर रहा है यार तू भैंस की, तुम तुझे इस तरह डाउन नहीं होना चाहिए। ओ भाई मैं हर राउंड में दो दो किल कर रहा हूँ और क्या करूँ यार, मैं भी गलत कर रहा हूँ थोड़ा सा। साथ रहना आप मेरे तो फिर बात बने। चलो अबे तू पैस की, तुम हबशी कभी कहीं निकल जाता कभी कहीं निकल जाता, या तो साथ रहना फिर। आप इधर आप बस मेरे पीछे पीछे आए बस बाकी सब। यार ये कोनी के पीछे चल बात कर रहा है। Yeah,
अबे इतने ग्लू वाले हैं फटे भाई, इसे कहते हैं बोन टू किल यार, जो कस्टम को वापस लेकर आए यार। अरे यार क्या हेडशॉट वैसे मैंने डाउन किया, मुझे खुद यकीन नहीं था आ रहा कि मैक कैसे बोन टू किल बन गया बैठे बैठे। तो मेरा डैमेज देखे भाई 5,500 का। गुड गुड, टीम वर्क चाहिए ब्रो, टीम वर्क साथ है ना यार, ऐसे टीम वर्क होता। अबे तू बहुत गलत रास्ता अख्तियार करता पता है। ओ भाई मेरा रास्ता सब साथ होता है। डैमेज है वो की बहुत गंदा डैमेज है। उधर से तीन बंदे आ रहे हैं, तीन बंदे कवर में रहो, सारे कवर में रहो, सबसे पहले ये पीछे वाले को पकड़ो। अबे ग्लू वॉल लगा दो यार। ये सारे पकड़ के मुझे मार रहे हैं भाई। अबे ये लड़की बहुत डैमेज है। अरे यार आगे जाओ फवाद भाई, आगे जाओ, वो डैमेज है सारे। डबल किल यार, ताहा तू सबसे पहले डाउन होता है। ओ भाई मेरे किल देखे यार, किल का मैं क्या करूं, मैं तो ये थक जाता हूं, आप लोग कवर ना कवर देते हैं, बंदे मार मार के थक जाता है ये। अच्छा वाह वाह, तालियां भाई, ये बंदे मार मार के थक जाता है और फिर भी चार बंदे आगे से निकल आते हैं, वाह। कौन से चार बंदे, मैं हर राउंड में एक के दो तो लाजिम मार। भाई इस कस्टम में चारों जिंदा थे, ठीक है भाई। यार इस राउंड की बात अलग है ना, मैं क्या करूं, राउंड किया एक ड्राइव हो गया। कोई बात नहीं, सबसे पहले तुमने घबराना यार। डैमेज का मैं क्या करूं, मैंने तुझे तीसरे राउंड में कहा था मुझे किल नहीं चाहिए, मुझे विक्ट्री चाहिए ब्रो। चलो कोई नहीं यार, खैर यार ये कस्टम मुझे खेलने का मजा भी आया, क्योंकि यार इसमें सामने की जो टीम थी वो बहुत अल्ट्रा किस्म की प्रो थी यार, और भैंस की दुम किधर एंड तक कस्टम गया 6-6 तक, और हर प्लेयर ने आउट ऑफ द वे खेला। एक ये रैंडम सब्सक्राइबर आया था फवाद भाई, तो हमारी साइड पे एक थोड़ा सा हल्का बंदा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, खैर है, इट्स अ गेम ब्रो, विनिंग एंड लूजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गेम। लेकिन यह है कि आप देखो 3v4 में भी अगर इतर एंड तक लेके जाया जाए राउंड, तो यार मेरे ख्याल से मुकाबला जो था वो काफ़ी टक्कर का था। आई होप आप लोगों ने आज का मैच काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा, और स्पेशली जो लोग मेरे सामने खेल रहे थे ना, वो क्या नाम था, विजर्ट हनी और क्या नाम था एक लड़के का, मैं सी रिसेंट में देखता हूँ, हाँ ये वजीता यार, ये हनी बहुत अच्छा खेल रहा था, और वजीतो बहुत अच्छा खेल रहा था, खैर खेला तो सबने बहुत अच्छा। चलो यार अब अगला कस्टम बनाते हैं, अगला कस्टम कौन बनाएगा यार, बल्कि बॉस करते हैं। भैंस की तुम, इतनी रात हो गई है यार, हम बज के मुझे याद ही नहीं रहा कहा। अच्छा तहा कैसे ऐड करेगा, अरे नहीं नहीं यार बहुत रात होगी, अब बाकी कल खेल लेंगे, क्या ख्याल है बॉयस, कल खेल लेंगे यार बाकी कल कर लेंगे यार, 1v1 भी करेंगे, स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड भी करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों को बताऊं कि कल भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह से कस्टम्स होंगे, और इसी तरह से टूर्नामेंट के मैचेस भी होंगे, आप लोगों ने अपनी मैक्सिमम सपोर्ट के साथ आना है, ठीक है, एंड सेफ फैक्ट यार इंशाल्लाह ताला ज़रूर। आयशा थैंक यू सो मच, जस्ट गेमिंग लव यू ब्रो, रिजवान लव यू ब्रो, मुबीन शार्क सेफ फैक्ट सफ़ी थैंक यू सो 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 मच यार, लव यू ऑल। इंशाल्लाह ताला कल मैं कोशिश करूँगा, कल मेरे कितने कस्टम्स हैं, कल मुझे चेक करना पड़ेगा कल टूर्नामेंट के कितने मैचेस हैं, तो कल मैचेस करेंगे टूर्नामेंट के, और साथ ही साथ इंशाल्लाह ताला मामलात करेंगे। तो इसके साथ ही साथ मुझे अभी आप लोगों से चाहिए इजाज़त, तब बहुत सा ख्याल रखे, दुआ में याद रखे, दिस इज़ योर होस्ट मिस्टर मैक्स साइनिंग आउट, अल्लाह हाफ़िज़। You never listen to yourself, you really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man.